पता नहीं आपने इसके बारे में कभी सुना रहेगा या खुद कभी पढ़ा रहेगा जो भी है काफी खौफ रहता है इस टॉपिक का लेकिन मेरे को लगता है मतलब जो मैं टीचिंग करता हूँ उस हिसाब से मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ सबसे बेस्ट मैं ये पढ़ाता हूँ है सची क्या बात वा, क्या बात कर रहे सर हाँ तो, तो दिस इज दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक और मैं गारंटी दे रहा हूँ आज मत आज जज मत करना लेकिन जब चैप्टर खत्म होएगा ना मेरी गारंटी है तुम्हारे लिए टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा मैं बना दूंगा मेरी गारंटी है वो अगर तुमको नहीं लगे ना इजी तो नाम बदल देना जो पसंद है रख देना ठीक आप तो मतलब आपका ट्वेंटी परसेंट पेपर इस टॉपिक से आता है, है ना सर क्या बात कर रहे हो ट्वेंटी परसेंट पेपर इस टॉपिक से आता है बड़ा ही शानदार टॉपिक है मजा आता है बड़ा पढ़ाने में है ना और पढ़ने में बहुत मजा आता है मतलब सॉल्व करने इतना मजा आएगा तुमको एकदम ही फील आ जाएगी बट यस ऑफ ऑफकोर्स यू हैव टू बी पेशेंट थोड़ा समय देना पड़ेगा अपने आपको बस बस समय दो ना मजा आ जाएगा तुम लोग को ठीक है तो शुरू करते हैं अच्छा ये टॉपिक के पहले ना कुछ प्री रिक्विजिट्स है आई जस्ट टेल यू ठीक है किधर गया वो हाँ देर आर सम प्री रिक्विजिट्स बिफोर दिस टॉपिक सबसे पहला बीच में है ना छुट्टी मत मारना डिसिप्लिन रहना ठीक है मतलब अगर टॉपिक बीच में छूटा तो खत्म हो जाओगे ठीक है बीच में लेट मत आना कभी पांच मिनट लेट आए तो खत्म हो जाओगे ठीक है तो लेट मत आना छुट्टी मत मारना उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीज पहला कॉमन सेंस ठीक है मैं इस टॉपिक में कॉमन सेंस एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे है ना कॉमन सेंस मतलब जैसे डिस्काउंट करते हैं हम तो डिस्काउंटिंग कैसे होती है वो सब बेसिक बेसिक कॉमन सेंस है ना वो भी नहीं चलो कॉमन जब मैं बोलूँ कोई कॉमन सेंस वाली चीज़ तो ये अप्लाई करने का ठीक है अब मैं मान के चलता हूँ कि कॉमन सेंस होगी विच इज आज की दुनिया में नॉट सो कॉमन बट ये तो होगा कॉमन एकदम बेसिक वाला कॉमन मतलब कुछ लोग है ना जैसे भगवान दिमाग बांट रहा होता है तो कुछ लोग कटोरा लेके जाते हैं कुछ लोग वो क्या बोलते हैं सामान लेके जाते हैं ना कटोरी वगैरह लेके जाते है ना कुछ लोग टोप टोप लेके जाएंगे बड़ा वाला ऐसे है ना कुछ लोग ऐसे जाते हैं ऐसे तो यही समझ जाना ठीक है उसके अलावा एक सेकेंड चीज ये कैलसी ये चलाने को आना चाहिए है ना एक कॉमन सेंस और एक है सर क्या बात कर रहे हो सर यही इतने टॉपिक के अंदर यही है ये ये और कुछ नहीं है बस ठीक है ध्यान रखना हाँ तो ये भी चलाने को आना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर पूरा खेल है कैलकुलेटर हाँ चलो ठीक है हो जाएगा सर तो शुरू करते हैं ना यार क्या ये अपन करेंगे चलो फिनेशियल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है कुछ टैंकर लेके जाते हैं ललित वो तो है लल्लू भाई <laughs> चलो कुछ लोग भाई छन्नी लेके जाते हैं हाँ छन्नी में दिमाग गिरी जाएगा तुम्हारा अरे तुम क्या दिमाग लगा रहे हो भाई तुम यहां ध्यान दो ठीक है तुम कहां से कहां छन्नी विन्नी में पहुंच गए <laughs> चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं भाई धमाकेदार शुरुआत कर ही देते हाँ ठीक है सुन लो <coughs> अब इस इंडेक्स में कितने इस टॉपिक में कितने इंडिया है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तीन इंडिया है थर्टी टू वन जीरो नाइन ठीक है अब सुनो तीनों इंडेक्स में क्या है थर्टी टू के अंदर है आपके बेसिक डेफिनेशन आपके बेसिक डेफिनेशन सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या आ सकता है पांच चार या पांच पा का निकल सकता है ठीक है बट बेसिक बेसिक चीज है इसके अंदर मेन जो कंटेंट है आपका वो वन के अंदर है तो सर छोड़ो थर्टी छोड़ो ना ये यह परीरोना ऐसा थर्टी टू नहीं आएगा तो वन समझेगा ही नहीं थर्टी तो टू पहले पढ़ेंगे फिर अपन पढ़ेंगे वन जीरो मतलब ऐसे टू में डेफिनेशन डिस्कस्ड है 109 में उसके अकाउंटिंग डिस्कस्ड है तो दोनों इंपॉर्टेंट है फिर क्या होता है 107. 107 क्या है इट इज अ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है ना तो जो भी आपने ये दो इंडेक्स में पढ़ा वो सब डिस्क्लोज करने का अब डिस्क्लोजर आपके एग्जाम पढ़ने वैसे कभी आता नहीं है क्वेश्चन कभी काम भी नहीं आता है और पूछा भी क्या डिस्क्लोज करूंगा तो जो पढ़ा बोलने का सब डिस्क्लोज करो खत्म कहानी तो ये आपके लिए काम करने नहीं आपको इसके पढ़ने की जरूरत होती है ठीक है तो मोटा मोटी आपके लिए है भले ही तीन बट पढ़ने आपको दो ही होते हैं ठीक है थीके? ध्यान रखना उसके अलावा बस बाकी तो कुछ नहीं है बाकी अगर आप चार्ट देखोगे तो थर्टी टू में काम की चीजें इतनी ही है बराबर उसके अलावा वन जीरो नाइन में देखो इतना सब है अपने पास है ना देखो कितना बड़ा टॉपिक है सिक्सटीन पॉइंट है इसके अंदर बहुत ईजी लेकिन मजा आ जाएगा तुम लोग करने में अच्छा एक आखिरी बात कर देता हूँ मैं इस टॉपिक में अगर आप भूल से खोल के देख लिए मेरी किताब या मॉडल जो भी है तो अगर मेरी किताब में आप क्वेश्चन बैंक के देखोगे तो देर आर अप्रॉक्सीमेटली वन फिफ्टी क्वेश्चन पंद्रह नहीं सॉरी देर आर वन फिफ्टी क्वेश्चन सर ये आपने तो गेम कर दिया हमारा आप बोलते हो सिक्सटीन से ट्वेंटी टू मार्क्स का आएगा उसके लिए डेढ़ सौ क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे सर ठीक है अभी डेढ़ सौ में से सौ क्वेश्चन किसी काम के नहीं है क्यों ये वो सौ क्वेश्चन है जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो तो ना वाले क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा तो इसमें इस दिमाग लगाने की जरूरत नहीं करने की जरूरत ही नहीं है इसको ये किसके लिए होते हैं जो बेचारा बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है उसको कंसेप्ट कौन समझाएगा उसके लिए होता है है तुम्हारे पास बहुत टाइम है तो पढ़ लेना है ना जरूरत नहीं है लेकिन अब बचते कितने पचास क्वेश्चन ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन जो मतलब ढंग के क्वेश्चन थोड़े बहुत फिफ्टी क्वेश्चन होते हैं अब इस फिफ्टी के अंदर भी आप देखोगे ना तो अपना कंसेप्ट तो क्या है

पता नहीं मुझे सत्ताईस क्वेश्चन भी नहीं है बीस से पच्चीस क्वेश्चन है ना ये जो भी बीस से पच्चीस क्वेश्चन है इसी में से मतलब ऑलमोस्ट आपका कवरेज पूरा हो जाएगा मतलब आप बोलते हो ना एग्जाम में, में मेरा हो जाए सर एग्जाम में मुझे फाइनेंशियल स्टूडेंट फुल मार्क्स आ जाए अगर ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है तो इस टॉपिक में आपके फुल मार्क्स है गारंटीड गारंटीड फुल मार्क्स है ये क्वेश्चन आपके कंट्रोल में है तो तुम समझ रहे हो क्या देखो समझदारी किसमें समझदारी ये है कि आप पूरा पढ़ो कंसाइज करो और लास्ट में कंसाइजनेस आपको अचीव करेगी ताकि एग्जाम के दिन पर रिवाइज हो सके तो वो मैं करके दे दूंगा ठीक है मेरा काम ये नहीं है कि मैं बड़ा बुझा आपको सर पर थमा के दे दूँ और बोलू लो पढ़ लो मज़ा नहीं उसमें ठीक है तो अपने केस में एक भाई रिक्वेस्ट है कि मैं कंसाइसनेस अचीव करके तुमको दूंगा अब मैंने किसी भी टॉपिक के पहले इतनी सारी बातें नहीं की है इसमें कर रहा हूँ क्योंकि रेलिवेंट है ठीक है ध्यान रखना और सबसे पहले बता दूँ कोई टॉपिक का हवाबाजी मत करना कि ना ऐसा है वैसा है एकदम सिंपल टॉपिक है पहले बता रहा हूँ बहुत सिंपल है ठीक है सिंपल मान के चलना और बहुत ईजी मजा आएगा तुमको करने बात पे शुरू करे शुरू करेगा सर करो ना सर शुरू करो सर चलो शुरू कर रहा हूं ठीक है तो चल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इंडेस थर्टी टू सबसे पहला पार्ट किया सबसे पहला पार्ट है डेफिनेशन ठीक है तो आओ डेफिनेशन का हेडिंग दे दो पहले लिखना शुरू करते हैं आ जाओ लिखो मुन्ना लिखो पहला पॉइंट है, है सर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सॉरी चार दिख रहा है आपको वैसे तो बट मोटा -मोटी है एक है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंट्रूमेंट फिर फाइनेंशियल एसेट फिर एबिलिटी और फिर है इक्विटी तो सबसे पहला डेफिनेशन किसका सबसे पहला डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का जो टॉपिक का नाम है उसी का डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस किया गया है ठीक है अब क्या है इसका डेफिनेशन वो बोलता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट जो एक एंटिटी के लिए इट इज अ एसेट फॉर वन एंटिटी, है ना इट इज अ फाइनेंशियल असेट फॉर वन एंटिटी एंड एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फाइनेंशियल लाइबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी वो किसी एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल असेट है और बाकी दूसरे एंटिटी के लिए या तो वो फाइनेंशियल एबिलिटी या इक्विटी है सर समझ ही नहीं आया समझेगा भी कैसे भाई क्यों समझेगा नहीं क्योंकि हमको फाइनेंशियल फिनेंशियल क्या होता है यही नहीं पता फाइनेंशियल एबिलिटी क्या होता है यही नहीं पता इक्विटी क्या होता है ये भी नहीं पता सर कुछ पता ही नहीं है तो इस डेफिनेशन को ऐसे लिख के छोड़ दो नहीं आता हमको ठीक है बोल देने का नहीं आता चौली बाबू नहीं आता आगे बढ़ो लिखो डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट ठीक है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट ओके okay. क्या बोलता है इट इज एनी असेट इट इज एनी दैट क्या डिस्कस कर रहा है अब वो कौन से को हम फाइनेंशियल कहेंगे तो एक, एक करके बताएगा सबसे पहला सबसे पहला है अगर आपके पास कैश है तो इट इज अ फाइनेंशियल असेट अब ऑफकोर्स एक कॉमन सेंस वाली बात है जब मैं कैश बोलता हूं तो इट इंक्लूड्स बैंक का मैंने क्या कहा था कॉमन सेंस तो अब आधे बच्चे आगे बोल बोलना मत सर मेरे पास कैश तो नहीं है बैंक में पैसा है फिर अरे वो भी इंक्लूड हो गया इसके अंदर तो कैश में पैसा बैंक में पैसा कोई कहां भी पैसा हो है वो बराबर ठीक है और सारे मीट नहीं करना है, सब में से कोई एक मीट करना है और अगर आपके पास अगर आपके पास है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी

तो लिख दो एक एग्जाम्पल लिखा रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ रिलायंस लिमिटेड है ना और तो ये दो दो कंडीशन हो गए पहला कैश दूसरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन अदर एंटिटी तीसरा सी में अब सी में टोटल तीन है ठीक है दर इज वन टू थ्री पहला लिखा रहा हूं सी वन सी वन इज कॉन्ट्रेक्चुअल राइट रिसीव कैश कॉन्ट्रैक्ट लाइट टू रिसीव कैश है ना अगर आपके पास डायरेक्ट कैश नहीं है लेकिन आपके पास कॉन्ट्रैक्टर लाइट टू रिसीव कैश मतलब एक ऐसा असेट जो रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर में पक्का पक्का कैश मिलेगा बता ऐसा कौन सा असेट है वेर वी एव अ कॉन्ट्रैक्टर लाइट टू रिसीव कैश अगर आंसर करोगे तो मजा आ जाएगा ऐसा कौन सा असेट है वेर वी है कॉन्ट्रेक्टर लाइट टू रिसीव कैश वेरी गुड आंसर यार इट इज डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स जिसको आप बोलते हो है ना अगर आपके पास कोई डेटर्स है डेटर्स का मतलब क्या होता है आपने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया रहेगा तो उसने क्या बोला कि पक्का देता हूं पैसा बाद में आगे जाकर वो बोला ना पक्का पैसा देता हूं आगे जाकर तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्ट राइट टू रिसीव कैश आज कैश नहीं है डेटर्स मतलब आज कैश बैलेंस नहीं है लेकिन फ्यूचर में पक्का पक्का कैश देगा है ना डेटर्स और भी एग्जांपल हो सकते हो वोट नीचे लूंगा आगे जाकर ठीक है अभी सिंगल सिंगल एग्जांपल दे रहा हूं सिंगल सिंगल एग्जाम्पल सिंगल सर वापस जो तुम हो सिंगल एनी तुम समझे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको पक्का पक्का पैसा देने का प्रॉमिस किया है किसी ने तो वो आएगा इधर सी वन में ठीक है मैं और डिस्कशन करूंगा अभी नहीं कर रहा हूँ ठीक है अब आता है सी टू सी में टू बी है ना तो मैंने बोला कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव Contractual right टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी कॉन्ट्रेक्चुअल right टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ another एंटिटी सर इसका मतलब क्या देखो एक तो होता है कि डायरेक्टली आपके पास किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है वो तो फाइनेंशियल असेट है कभी कभी क्या होता है वो आज इक्विटी शेयर नहीं है किसी और कंपनी का लेकिन वो फ्यूचर में इक्विटी शेयर बनने वाला है किसी और कंपनी का एक ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल right जहां प्रॉमिस किया है कि अगर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है ना तो फ्यूचर में आपको किसी और कंपनी का शेयर मिलेगा सर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है वी हैव अ टू राइट रिसीव इक्विटी ऑफ एंटिटी ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सर जो आज इक्विटी नहीं है लेकिन इसके बदले में फ्यूचर में पक्का पक्का इक्विटी मिलेगा बेस्ट एग्जाम्पल दू क्या आपको इसका हाँ मोहित ने मेरे को आंसर किया है सर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अगर आपके पास कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तब

कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स कोई भी कन्वर्टेबल में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्ट क्यों मैं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं ना तो नाट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना समझा मैंने क्या बोला तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अनदर एंटिटी उसको बोलते हैं फाइनेंशियल असट समझ में आया तुम लोगों को ये मेरा एग्जांपल हो गया ठीक है और एक लास्ट सी थ्री थ्री में और क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव एनी अदर फाइनेंशियल असेट मतलब एक तो है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी या फिर अगर ये दो को छोड़कर और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट right है आपको कोई दूसरा मिलेगा तो वो भी हाँ कवर्ड है इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन हो गए ए बी सी और सी में तीन ठीक है पहला क्या था कैश दूसरा इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी याद रखना आपके लिए होना चाहिए ये। तीसरा कॉन्ट्रेक्ल राइट टू रिसीव कैश पक्का पक्का कैश मिलेगा तीसरा सॉरी दूसरा कॉन्ट्रेक्चुअल और आखिर में अदर इसका मैंने कोई एग्जाम्पल डिस्कस नहीं किया बाद में डिस्कस ठीक है तो ये ए बी और सी हो गया अब एक और चीज आती है इसके अंदर वो आता है डी डी के लिए आप जगह देना चलो <coughs> ओके ठीक है सर छोड़ दिया अब अपन पता क्या करेंगे गेम खेलेंगे ठीक है सर गेम हमका भी गेम खेलना है सर खिलाता हूँ ना सुनो तो हम क्या करेंगे दो लाइन छोड़ देना पहले

अब सपोज मेरे पास क्या है इन्वेंटरी है ठीक है इन्वेंटरी है बताओ फाइनेंशियल है या नहीं है और अगर है तो एस पर विच डेफिनेशन रेफरेंस बताओ इन्वेंटरी है है, या नहीं है? और अगर है तो एस पर विच डेफिनेशन रेफरेंस बताओ नो no? हरिप्रसाद बोलते हैं नहीं प्रशांत बोलते हैं नहीं सोनाली बोलती है नहीं हां अनवी ने कहा सीवन के हिसाब से है श्रुति ने कहा सीवन के हिसाब से वेरी गुड ये हुई ना बात ठीक है और तुषार ने कहा नॉट अ फाइनेंशियल राहुल बोलता है सीवन के हिसाब से है ठीक है वेरी गुड राहुल और और कुमार बोलता है सी थ्री के हिसाब से बहुत बढ़िया अमित कुमार मैंने जो सी थ्री डिस्कस भी नहीं किया उसका भी उसने आंसर कर दिया वेरी गुड और विवेक बोलता है सर फाइनेंशियल असर तो है सिद्धि ने कहा सीवन है ये मैंने ना गिनती के सिर्फ रॉन्ग रॉन्ग आंसर पड़े ठीक है क्यों रॉन्ग सर अरे अब मुझे बताओ इन्वेंट्री आप बोलोगे सर इन्वेंट्री पता है क्यों है इसको बेचकर पैसा आएगा ना मुझे एक बात बताओ डू यू अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश किसी ने आपको पैसा देने का प्रॉमिस किया है क्या ऐसा बोला है क्या ये इन्वेंट्री पक्का मैं तो पैसा दूंगा ऐसा किसी ने प्रॉमिस किया है

सपोज़ में बस पीपी -पी है प प प प पी 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 इ इ इ इ इ बताओ पीपी -पी है क्या करे फाइनेंशियल अच्छा एसेट है कि नहीं है सोच समझ के बताओ आले मिले बाबू अब लोग कितने फटाफट तो स्मार्ट हो गए सर ये नहीं है फाइनेंशियल एसेट क्यों नहीं है अरे वही सेम रीजन ये तो है ना पूछा कन्वर्टेबल इनटू कैश है कि नहीं कॉन्ट्रैक्टचुअली किसी ने प्रॉमिस किया पैसा देने का नहीं सर तो राहुल प्रतीक अंशिका सबने मुझे भी करेक्ट आंसर किया है कि सर अब तो ये फाइनेंशियल असेट नहीं अब तो हम नहीं फंसेंगे सर वेरी गुड समझा कैसे करना है हाँ वेरी गुड विशाल महालक्ष्मी ज्योति वेरी गुड चलो <coughs> और मौके मिलेंगे तुमको रिडीम करने के अपने आपको ठीक है चलो फिफ्थ आंसर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन देखो लोन लेना इज अ लाइबिलिटी बट अगर किसी को लोन दिया तो वो असट होता है ना अब मेरा क्वेश्चन ये कि ये फाइनेंशियल असट है क्या आपने किसी को लोन दिया बताओ फाइनेंशियल है क्या यस और नो और है है तो तो एज पर डेफिनेशन रेफरेंस ए बी सोच समझ के बताओ वेरी गुड सर अगर लोन आपने दिया है, तो पैसा पक्का पक्का वापस मिलेगा ना क्योंकि इंटरेस्ट भी आएगा और प्रिंसिपल भी आएगा दोनों कैश में ही आएगा पक्का पक्का आएगा अरे आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो पैसा तो वापस आएगा ना यू हैव अ है राइट टू रिसीव कैश नाउ अगर तुमको लगता है राइट किधर है सर तो एक काम करो मेरे को दे दो पैसा आज तुमसे मैं लोन लेता <laughs> तुम लोन लेता तुमको नीचे पैसा पैसा वापस वापस, तो, ये है असेट। पर पर मैं लो, तो रिसीव कैश। तो तुम दोगे, मांगोगे ना सर, बुद्धिमान होशियारी मत मारो ठीक है सही से आंसर करके ये चिंदी चिंदी है अच्छा अभी से अपन पॉइंट्स ठीक है अगर तुमने एक ने भी किया तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा है ना तुम्हारे हर एक के रॉन्ग आंसर का एक पॉइंट मुझे मिलेगा और तुम सबने अगर करेक्ट आंसर किया करे तो तुम सबको एक पॉइंट मिलेगा सर ठीक है <laughs> आओ sixth वाला sixth वाला सपोज मेरे पास है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर किसकी इक्विटी शेयर है सर सपोज सपोज मैं मेरे पास इन्फोसिस के इक्विटी शेयर है तो मैंने किसी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है मुझे बताओ फाइनेंशियल असर्ड है कि नहीं है दोनों राइट होना चाहिए तुम्हारा ये भी और ये भी ठीक है 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 बताओ बताओ है? हाँ, सर ये तो वेरी गुड बट पर डेफिनेशन रेफरेंस ललित बोलता है बी प्रशांत बोलता है बी निकिता बोलती है बी मानसी बोलती है बी मेरे को सौरभ ने बोला सी टू ठीक है सौरभ ने बोला सी टू वेरी गुड मजा आ गया सौरभ ठीक है तो देखो अभी तुम्हारे अगर दो टाइप के आंसर आ गए तो तुम वैसे ही खत्म हो गए है ना अंजल ने बोला सी अच्छा बाकी सब बी बोल रहे और किसने सी बोला है अब देखो बुद्धि लगाओ जरा ठीक है तुम हार तो गए क्योंकि तुम्हारे सुनो मेरी बात ये सी टू है कि बी है अरे बुद्धिमानो मेरे पास डायरेक्टली किसी कंपनी के इक्विटी शेयर है अगर डायरेक्टली इक्विटी शेयर है ना किसी कंपनी के तो बी में आओगे अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता जो आज इक्विटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में इक्विटी बनेगा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी शेयर एंटिटी अगर आज इक्विटी नहीं है फ्यूचर में इक्विटी बनेगा तो सी टू होता अरे ये डायरेक्टली आज इक्विटी है डायरेक्टली इक्विटी होगा तो कौन सा वगैरह हो बी होगा तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन तुम हार चुके हो और <laughs> मेरे को पॉइंट्स मिल गए भाई <laughs> लखन बोलता है सर ये तो स्कैम है ऐसा तो आप ही को पॉइंट्स मिलेंगे अरे भाई तो सही बात है ना तुम ऐसा स्टूडेंट मोर देन नाइनटी परसेंट तुम्हारे राइट होने चाहिए, चाहिए। सौरभ बोलता है मैं रॉन्ग करके चेक कर रहा था रहने दे चलो भाई आए बड़े चेक कर रहे थे

और ये डेफिनेशन रेफरेंस है जल्दी जल्दी बताओ आप थोड़ा क्विकनेस रखो आंसरिंग में वेरी गुड आंसर ये है येट एज पर बोला नहीं है अजर तो बोलता है ये ही ही नहीं है वेरी गुड अजर मजा ही आ गया मतलब तू बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा तो देखो पैसा चाहिए ही नहीं वापस मजा ही आ गया अजर ठीक है बाकी लोग क्या बोलते हैं ठीक है अब है ना काफी लोग है ना बेवकूफों की तरह देखो तुम तो डब्बे ही हो ठीक है सी टू आंसर करते बताओ मैंने ऐसा बोला कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोला क्या मैंने डिड आई यूज द वर्ड कन्वर्टेबल नहीं ना तो सी टू आ गया सर अब मैं इसका पॉइंट तो तुमको नहीं दे रहा ठीक है थप्पड़ लगा लो फटाफट अपने बेचारे बाकी सी तो वन <laughs> तो अरे बाबा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया मैंने तुमको पता है, बोलते बोलते हिंड भी दिया था कि इंटरेस्ट का पैसा भी कैश में मिलेगा प्रिंसिपल का पैसा भी कैश में मिलेगा तो यू है आ, कोई बोलता है सी टू कोई बोलता है मजा आ गया सिद्धि बोलती है C3. मजा आ गया मैडम वेरी गुड मैंने क्या बोला था क्या चाहिए कॉमन समझा कॉमन सेंस क्यों चाहिए अब वो भी नहीं है है तो क्या करूं मैं Very good. मजा आ रहा है मेरे को तो आगे बढ़ रहा हूं मैं अब आता है अगला इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अब थोड़ा सोच समझ का आंसर करना ठीक है इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वॉट इज द मीनिंग ऑफ सॉरी कन्वर्टेबल लिखो लिखो बॉन्ड्स मत इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल ठीक है अगर आपने कन्वर्टेबल डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो पहले मेरी बात सुन लो आपको ना दो तरह का कैश फ्लो मिलता है जब आप डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर साल एक तो मिलेगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपको कैश में मिलता है ठीक है लेकिन आपको जब लाइफ खत्म हो जाएगी तब प्रिंसिपल मिलेगा बट आपको कैश नहीं मिलेगा प्रिंसिपल में वो कंपनी इंटरेस्ट दे 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 तो तो एक चीज मिल रही है प्रिंसिपल अगर आप फाइनेंशियल बोलते हो तो मुझे बताना इंटरेस्ट एज पर विच पॉइंट फाइनेंशियल और प्रिंसिपल एज पर विच पॉइंट अब सोच समझ के बताना अच्छा मैं पहले बता दू जो लोग सी थ्री आंसर कर रहे हैं मैंने आपको सिखाया ही नहीं है तो सीथरी अभी किसी का भी आंसर नहीं होगा ठीक है तो जस्ट बिकॉज एक एग्जिस्ट करता है पॉइंट तो तुक्का मत मारो फालतू के ठीक है सीथरी मैंने आपको सिखाया है गया तो सीथरी का आंसर कर रहे हो है ही नहीं सीथरी आंसर ठीक है अब मुझे बताना ठीक है मुझे ना जो आंसर दिख रहा है उसमें प्रथम ने एकदम एक्यूरेट आंसर किया है कि सर जो इंटरेस्ट है ये पहले बात ये पूरा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फाइनेंशियल एसेट तो है क्योंकि आपको या तो कैश मिल रहा है या फिर किसी और कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं

तुम समझ रहे हो मैं किस डेप्थ में तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ ये ऐसे का तुम्हारे तो कभी नहीं करेगा ठीक है ऐसे तुमको सिर्फ पूछेगा है कि नहीं तो तुम बोल समझते जाओ कि कहाँ फाइनेंशियल विद डेफिनेशन रेफरेंस है रेफरेंस समझ नहीं आया कभी भी तुमको तो इससे तुम्हारे एकदम पक्के हो जाओगे तुम ठीक है चलो तो ये वाले का ऐसे मतलब समझ लो ये गेम वाला था ही नहीं क्योंकि ये तो तुमने आंसर मतलब मैंने बता दिया तुमको अब गेम तो इधर मजा आएगा तुम समझे ना कैसे करने समझ गए ना सर चलो अब बताता हूँ सुन लो

फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है एंड एज पर विच डेफिनेशन रेफरेंस समझ के बताना देखो आंसर करने के चक्कर में घाई मत करो आंसर करो तो मेरे को प्रथम लोकेश निकिता ने बोला है सर ने बोला प्रशांत ने बोला राघव और धनेशा ने भी बोला सी वन यार यार मैं नहीं खेल रहा यार ठीक है सब लोग सी वन कर रहे हैं कोई रॉन्ग ही आंसर नहीं कर रहे अंजलि कोमल अनवी सब ने सी वन बोला ललित ने बोला सी वन ललित भी आंसर सही करके चला गया बताओ हाँ वेरी गुड सुन लो मेरी बात अगर आपके पास किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स है है ना प्रेफरेंस और इक्विटी अलग अलग होते है तो पता ही है ना कि वो भी नहीं पता है तो अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स है किसी कंपनी के तो डिविडेंड में आपको पैसा मिलता है प्रिंसिपल भी पैसे में वापस मिलेगा तो इट इज अ फिनेंशियल बट एज पर विच डेफिनेशन रेफरेंस द आंसर इज सी वन तो तुम इस बार जीत गए तो गाइस ये ट्रायल राउंड था ठीक है समझे ना कैसे खेलना है ट्रायल राउंड गाइस तो ट्रायल राउंड देखो ट्रायल राउंड में तुम अच्छा खेले गाइस अभी मेन राउंड में, में परफॉर्म करना है ठीक है गुड गुड जॉब गुड जॉब स्कैम सर स्कैम <laughs> ये सब स्कैम करना मैंने श्री 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 अपनी वाइफ से सीखा है <laughs> बबू क्या लेकिन अच्छा काम किया गाइस तुमने गुड गुड जॉब चलो 10th वाला आ जाओ अब अब इसका आंसर करो ना

बताओ बस नो कि, नो ये फिनाशियल नहीं है कैसी बातें कर रही हो तुम सच्ची नहीं नहीं मैं नहीं मानता हाँ सबने नो आंसर किया अरे गोल्ड नहीं है सबने नो आंसर कर दिया आस्था मुरली जितेंद्र अंजलि नो सबने नो बोल दिया आदल तो भेड़साल में नो बोल दिया बोले सब नो बोल रहे मैं भी नो लिख देता फटाफट से सही बोल रहे नहीं है क्यों नहीं है सर क्यों नहीं है सुन लो ये वही लॉजिक जो इन्वेंट्री में लगाया था अपन ने देखो गोल्ड को बेचकर पैसा आ सकता है लेकिन क्या तुम्हारे पास कॉन्ट्रेक्टुअल तु राइट टू रिसीव कैश है क्या नहीं सर तो ध्यान रखना राइट नहीं है तो इट इज नॉट अ फाइनेंशियल ठीक है ना दिया ना एक पॉइंट तो तुम्हारा वन है और मेरा टू पॉइंट है ठीक है मैं दो बार से जीत रहा था तो वेरी गुड इट इज नॉट अ फाइनेंशियल

यस yes, बोलता है मेरा आंसर दिख रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा है यस आपका आंसर बताओ निकिता बोलती है एस पर सी वन पर सी वन पर सी ये 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 फिनेंशियल सेट है ये जिंदा है अरे हाँ हाँ जिंदा है अरे लकी हमारे दिलों में जिंदा है अरे ये फिनेंशियल सेट है सी क्या बात कर रहे हो हाँ सच्ची मैं नहीं मानता सुन लो है सबने यस बोला यार मजा ही नहीं आया मजा ही नहीं आया सब राइट आंसर कर रहे हो मजा ही नहीं आ रहा है सुन लो है क्यों अरे बॉन्ड हो गया ना अभी गोल्ड का है, कौन सा है, वो हो उससे। बॉंड तो बॉन्ड होता है इंटरेस्ट मिलेगा सी वन मजा ही नहीं आ रहा है सबने आंसर कर दिया बताओ वो लखन ने भी राइट आंसर कर दिया बताओ फिर ये तारीफ करो बेजेती कर रहे हो ठीक है दिया एक पॉइंट हाँ चलो अभी टू ऑल हो गया ठीक है टू ऑल

तुमने फ्यूचर का खर्चा पहले इंकर कर दिया तुम्हारे लिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है ठीक है तो प्रीपेड एक्सपेंस मतलब क्या कोई ऐसा खर्चा जो तुम पहले इंकर कर देते हो, है ना? तो सब बोलते क्या अरे समझा दिया अभी पहले आंसर कर दिया नहीं है, है जैसे तुमने जो क्लास की फीस भर दी तुम्हारे लिए वो है। अब बताओ जितेंद्र अंजलि बनो सिंधु ऋतिका सब बोलते नहीं है फाइनेंशियल ओमकार भी बोलता है, नहीं है फिनेंशियल अट भाई ओमकार ने भी आंसर कर दिया बताओ भाई नॉट अ ऑफ टू रिसीव कैश बोलते अरे कोई भी कोई भी ऐसा नहीं बोलता है यार ये बहस थोड़ी ज्यादा समझदार आ गई बे यार ठीक है क्या बोलो प्रीपेड एक्सपेंस <coughs> मुझे लगा था तुम में से नॉर्मली इसमें ना लोग रायता फैला के आते ही मतलब क्लास में मजा ही नहीं है पूरा खराब कर दिया है तुमने। सुन लो, It is not a financial asset. वाई सर, जो चन लोगों ने दो आंसर किया जल्दी खर्चा इंकर कर दिया। लेकिन इसके बदले आपको फ्यूचर में कोई कैश नहीं मिलने वाला यू अ अक्टू राइट टू रिसीव कैश और एनीथिंग इसके बदले फ्यूचर में आपको सर्विस मिलेगी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने ना मेरा जो क्लासेस एनरोल किया ठीक है तो आपने पैसा जल्दी भर दिया अब इस एडवांस खर्चे के बदले इस प्रीपेड एक्सपेंस के बदले आपको क्या मिलेगा फ्यूचर में आपको मेरे सर्विस मिलेगी मैं पैसा नहीं दूंगा आपको वापस तुम समझ रहे हो क्या तो प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट अ फाइनेंशियल असटवाई बिकॉज आपको इसमें पैसा नहीं मिलने वाला है वापस तो मान लो यू विल रिसीव गुड्स स्लैश सर्विसेस नॉट कैश। ठीक है ना हाँ थ्री टू थ्री टू ठीक है ना चलो हाँ ठीक है ना थ्री दिया ना तुमको थर्ड पॉइंट रोते क्या हो जीत तो मैं जाऊंगा देखो लास्ट तक मैं ही जीतूंगा थर्टींथ ठीक है अगर मैं आपको ऐसा बोलू सुनो प्रीपेड एक्सपेंस ही है तो तुमने क्लास काफी जल्दी भर दिया ठीक है अब मैंने पता क्या बोला मैंने बोला बच्चे लोग बहुत उड़ते हैं मेरे सामने ठीक है तो मैंने बोला अक्की अंजलि जितेंद्र निकिता है ना ये संजय ये सबको मैंने नाम ले लेके बोला नहीं पढ़ाऊंगा केतन ओमकार ज्योति अनवी है ना सबको मैंने बोला सुमित सबको पकड़ा और मैंने बोला नहीं पढ़ाऊंगा जो करना है कर लो हाँ मर जाऊंगा मर जाऊंगा लेकिन तुमको ये बैच तो नहीं पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने बोल दिया तो तुम बोले ए नहीं पढ़ाना मत पढ़ा भाड़ में जा पैसा वापस दे तो जैसे ही मैंने अगर तुमको गुड्स एंड सर्विस देने से रिफ्यूज किया जैसे मैंने तुमको गुड सर्विस देने से रि, रिफ्यूज किया तो क्या होगा तो मैंने बोला ये पैसा हो गया रिफंडेबल तुम्हारा जो प्रीपेड था अब वो रिफंडेबल हो जाएगा तुमको जिस दिन ये रिफंडेबल हो गया इन कैश अब मुझे बताओ रिफंडेबल होने के बाद रिफंडेबल कब होएगा जब मैं तुमको सर्विस रिफ्यूज कर दूंगा मैं बोला सर्विस नहीं दूंगा तुमको तो तुम बोलोगे पैसा दो वापस तो जिस दिन रिफंडेबल हो गया अब मुझे बताओ फाइनेंसियेगी नहीं है रागा बोलता है अभी शिवम बोलता है ललित बोलता है साक्षी बोलता है, बोला है। सुन लो, जिस रिफ, बन जाएगा, उस आपके लिए तरीके से रिसीवेबल हो गया पैसा है ना तो इट विल बी एज पर पॉइंट नंबर सी वन क्योंकि कॉन्ट्रेक्ट राइट टू तो रिसीव कैश ठीक है देखो एक और चीज अगर आप डेफिनेशन रेफरेंस एक्यूरेटली नहीं बता पा रहे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप अगर मुझे इतने बता दिया ना कि है कि नहीं फाइनेंसर तो भी मेरा काम बन जाता है एक्चुअली में तो बट ठीक है एनी तो ये तो ये इसका पॉइंट मत लो ठीक है ये तो वैसे तुमको आता था हाँ मतलब ये तो मैंने तुमको पूरा खुल के दिया था इसका पॉइंट नहीं इसका मुझे भी पॉइंट मिलना चाहिए फोर थ्री ठीक है हाँ टू फोर टू नहीं फोर थ्री मेरे को भी मिलेगा एक पॉइंट ये तो मैंने बताया तुमको आधा आंसर तो ठीक है अब ये बताओ बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल, जल्दी बताओ बिल्स रिसीवेबल, अब ये बताओ ना बिल्स रिसीवेबल, ये है क्या फाइनेंशियल असेट वेरी गुड ये तो है ही ये तो सिंपल यार क्यों अरे जब डेटस फाइनेंशियल असेट है तो ये भी होगा फाइनेंशियल असेट जैसे डेटस में क्या होता है कॉन्ट्रेक्टो टू रिसीव कैश यहां भी सेम होता है ना कॉन्ट्रेक्टो टू रिसीव कैश तो सी ठीक है ना इसका दिया तुमको पॉइंट चलो फाइव थ्री जीतूंगा तो मैं ही <laughs> तुम देख लेना ठीक है फाइव थ्री चलो बिल रिवेबल था आगे बढ़ जाते हैं ठीक है थीके? अब थोड़ा एक्स्ट्रा एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनना इसका पॉइंट नहीं है ठीक है ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अलग से सपोज ट्रेड रिसीवेबल है एक बात ध्यान से सुनना ट्रेड रिसीवेबल है नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल से क्या मिलता है पैसा आता है वापस आपको वो बोलता है कि पैसा दूंगा

समझ गए तुम ध्यान रखना चलो क्लियर हाँ। ये ये वाला इसका पॉइंट नहीं था ये तो मैं डिस्कस कर करो तुमसे ठीक है सर सी वन क्यों नहीं गया क्योंकि वो तुमको कैश कैश नहीं दे रहा ना सर सी टू क्यों नहीं दिया क्योंकि वो तुमको इक्विटी शेयर्स नहीं दे रहा है वो तुमको कोई तीसरा फाइनेंशियल एसेट दे रहा है तो सी थ्री समझा एक ही एग्जाम्पल याद रखना इसका पास अगला अब बात करते सुन लो सपोज तुमको कोई इनकम टैक्स रिफंड आने वाला है होता ना ज्यादा टैक्स भर दिया तुमने तो रिफंड आता है गवर्नमेंट तुमको कह देती, देती है रिफंड देती है इनकम टैक्स रिफंड अब बताओ नहीं है इनकम टैक्स रिफंड ज्यादा टैक्स भर दिया है ना तुमको फ्यूचर में पैसा रिफंड आने वाला है इनकम टैक्स का बताओ फाइनेंशियल असर है या नहीं है तो अंजलि बोलती है सी वन निकिता बोलती है सीवन ठीक है मुरली ने बोला नहीं है सर बाकी संगीता बोलती है सीवन और आगे का नहीं देखना है आपको इमीजिएट वाला देखना होता है सौरभ ने बोला सी बाकी राहुल ने बोला सी बाकी मोहम्मद ने बोला नहीं है गोरंग ने बोला नहीं है और साक्षी ने बोला सी वन देखो यहाँ फिफ्टी फिफ्टी परसेंट के दोनों आंसर आए ठीक है ठीके? मतलब काफी लोग बोलते हैं सर है ही नहीं फाइनेंशियल अट और काफी लोग बोलते हैं सी है ठीक है <laughs> इस क्वेश्चन का पांच मार्क था इस क्वेश्चन का पांच पॉइंट ठीक है ठीके? तुम हर तो गए ठीक है अब सुन लो तुम बोलेगे सर देखो फ्यूचर में पैसा आएगा रिफंड आएगा तो फाइनेंशियल सेट तो है लेकिन एक्चुअली ना आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश कवर्ड है ये जो इनकम टैक्स का पैसा आएगा दिस इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअल राइट दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट टू रिसीव कैश दिस इज अ स्टैट्यूटरी राइट टू रिसीव कैश एंड एनी काइंड ऑफ स्टैट्यूटरी राइट इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप ऑफ दिस इंडेज इज नॉट इन स्कोप ऑफ

गाइज यार प्लीज यार याराइज नो स्टैंडिंग ओवेशन है ऑटोग्राफ के लिए बाद में आइएगा प्लीज तो सुन लो जब इनकम टैक्स रिफंड या किसी भी तरह का गवर्नमेंट से पैसा आने वाला होता है ना आपको किसी भी तरह का रिफंड कुछ भी तो इट इज नॉट कवर्ड इन द स्कोप बिकॉज इट इज इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट इट इज कॉल्ड अ स्टेटरी राइट वो यहाँ कवर्ड नहीं है ठीक है, क्या चीटिंग? Everything is fair in love and war. और मैं तो तुम्हारे साथ वॉर कर रहा हूं, लव कर रहा हूं सेम ही है. हाँ। चलो लास्ट जीत गया मैं, अभी तो अभी तो खत्म हो गया अभी चलो एक point का तुमको और दिया, सुन लो, अभी इसका भी एक point है, एक point भी है, लेके क्या कर लोगे तुम? सपोज कोई इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर है इफ देर इज एनी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर तो वो भी आउट ऑफ स्कोप है क्यों क्यों क्योंकि इसके अलग से इंडिया इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर मतलब नॉर्मली आप जब इन्वेस्ट करते हो शेयर्स में तो वो यहां कवर हो जाता है लेकिन अगर सब्सिडरी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या जॉइंट वेंचर के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या एसोसिएट के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, है, में इन्वेस्ट किया है, तो आउट ऑफ स्कोप है तुम समझे क्या मतलब अगर मैं रिलायंस के शेयर्स खरीदे और मोर देन फिफ्टी परसेंट खरीद लिया रिलासिडी हो गई वो यहाँ मत कवर करना लेकिन रिलायंस के मैंने चार पाँच शेयर खरीदे तो यहाँ कवर हो जाएंगे ऐसा बराबर तो आउट आउट ऑफ 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 स्कोप स्कोप है वो यहाँ के स्कोप में नहीं आता <coughs> उसके अलावा लास्ट चीज अगर तो लाइब्रिटी में इतना मेरे लिए काफी है

सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एक्ूरे आ गई तो मेरा काम हो गया आपको मेन घर पर के अकेले में रिवाइज करना है इसको अकेले में एक बार रिवाइज करोगे तो मजा ही आ जाएगा ठीक है मतलब ये तो क्या है आपने कुछ राइट आंसर करेंगे कुछ रॉन्ग आंसर किए रहेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ रहेगा दैट इज फाइन अभी तो पहली बार पढ़ रहे हो ना यार घर पे लेकिन एक अच्छा, अच्छा मीठा रिविजन चाहिए आपसे ठीक है चलो धोखा है फ्रॉड है क्या धोखा फ्रॉड है भाई ये सब मैंने जो रूल्स बनाता था ना मैं गेम के ये मैंने श्री 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 अपने वाइफ से सीखा है ठीक है ध्यान रखना चलो

फाइनेंशियल लाइबिलिटी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी मैम को बताना पड़ेगा बताया ना अगर मैम को पहले बता रहा हूं मैं भाई बता मन देना किसी भूल से, से भी समझ डरता नहीं हूं चलो आ जाओ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ठीक है डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी सुन लो इट इज एनी लाइबिलिटी अब मैं लाइब्रेटी के पॉइंट से बात करूँ लाइब्रेटी तो, देखना ठीक है थीके? इट इज एनी लाइबिलिटी दैट इज दहला पहला इसमें ए वन ए टू लिख रहा हूं ठीक है ए वन दैट इज अब यहां लाइबिलिटी है तो यहां कॉन्ट्रेक्चुअल लाइट नहीं होगा यहां पे करने का ऑब्लिगेशन होगा ठीक है तो एन इट इज एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश इट इज एनी लाइव दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन टू डिलीवर कैश सर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो कोई देगा मुझे एग्जाम्पल इसका वेरी गुड ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल्स कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन टू डिलीवर कैश या आपको कैश डिलीवर करना है तो ट्रेड पेबल ठीक है सिंपल सेकेंड ए टू ए टू या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट या तो आपको कैश डिलीवर करना है या फिर आपको कैश छोड़ के कोई दूसरा फाइनेंशियल असेट डिलीवर करना है सर इसका एग्जांपल दो वो एग्जांपल का टाइम डिस्कस करूंगा अभी नहीं ठीक है बस छोड़कर रख दो अभी फिलहाल फिलहाल आपको एवा नहीं पता है सिर्फ जैसे पता है अपने ट्रेड रिसबल ट्रेड को ट्रेड रिसबल ने अपने को बोला कि वो बिल्स देगा अपने को तो वो हुआ ना जैसे सी थ्री था वैसे इसका ए टू का बाद में डिस्कशन करूंगा ठीक है पहले ए वन ध्यान रखो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑप्लिकेशन डिलीवर कैश ठीक है तो ऐसा है तो आपके लिए वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है अब इसमें ये ए वन ए टू हो गया इसमें और भी आता है इसमें एक आता है पॉइंट नंबर बी और इसमें एक आता है पॉइंट नंबर सी दोनों के लिए लाइन छोड़कर रखो ना दो दो बी के लिए भी दो लाइन छोड़ो सी के लिए भी दो लाइन छोड़ो ठीक है सर बाद में डिस्कस करेंगे उसको हां अभी फिलहाल मतलब आपको आता है ऐसे पॉइंट नंबर ए वन मोस्टली ठीक है चलो अब इसी बेसिस पर अपन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं मुझे आप बताओगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी है या नहीं है तो लाइबिलिटी के पॉइंट से बात करेंगे ठीक है चलो तो एग्जांपल्स अगेन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और नॉट और उसके अलावा डेफिनेशन का रेफरेंस डेफिनेशन रेफरेंस ठीक है पहला चलो सपोज मेरे पास है ट्रेड पेबल्स क्या है मेरे पास ट्रेड पेबल्स तो ये तो फिनेंशियल लाइबिलिटी है कैसा डेफिनेशन रेफरेंस ए वन ठीक है समझा कैसे आंसर करना है हाँ तो ये मैं जीता क्योंकि मैंने पहले आंसर कर दिया मेरा एक पॉइंट ठीक है तो शगुन का भाई शगुन का एक पॉइंट तो दो, दो मुझे हाँ ठीक है Second, अब लोन टेकन जब लोन लेते हो तो लाइबिलिटी होता है लोन लेना अब तो मुझे बताओ ये लोन लेना लाइबिलिटी तो है लेकिन क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्या बुद्धि लगा के बताना लोन टेकन क्या ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है क्या सोच समझ के बताओ क्या ये या क्या इधर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है क्या यश ने बोला है सर एस पर ए वन ईशा ने बोला है सोनाल ने बोला है ललित ने बोला है हरी ने बोला है यश ने, ने बोला है वेरी गुड और वेरी गुड आंसर सर हाँ, ये तो है कैसे है सर अरे लोन लोगे तो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा ना फ्यूचर में तो ऑब्लिगेशन डिलीवर कैश ए वन सबने ये राइट आंसर किया ट्रायल राउंड ठीक है तो वन जीरो समझा है बोलोगे सर खेलो मत एक काम करो मत ही खेलो ठीक है है ना अच्छा मैं ऐसा गेम खेल रहा तो मुझे ऐसा बोल दिया ठीक है जब वो तुम्हारी जिंदगी से गेम खेल के गई थी खेला तो वो करती थी जब उसने तुम्हारी जिंदगी से खेला तब तुमने कुछ बोला नहीं ना चल एक काम करो इसका जो आंसर करेगा ना अभी जो अगला पूछ रहा हूं उसका दो पॉइंट मिलेगा ठीक है दो पॉइंट आउटस्टैंडिंग सैलरी मैं इसका मतलब नहीं बता रहा अभी ठीक है अब क्या तुमको मतलब बताऊंगा ना <coughs> तो फिर वो इजी हो जाएगा बोलते क्या याद दिला दिया सर तभी तो वो एक अरे तुम फालतू बात मत करो यहां ध्यान दो आउटस्टैंडिंग सैलरी बताओ फाइनेंशियल है नहीं है और है तो किस हिसाब से इतना भी सच नहीं बोलना था अरे <laughs> तुम इसका आंसर करो आउटस्टैंडिंग सैलरी अंशिका बोलती है ये एवन एवन निकिता ने बोला एवन आशीष ने बोला एवं राजीव ने बोला नहीं है सर वेरी गुड मजा आया और ललित ने बोला एवन बनू ने बोला नहीं है सर अंजलि ने बोला आरती ने बोला एवन प्राचीन ने बोला एवन और अजहर अली ने बोला एवन महिमा ने बोला एवन अनवी ने बोला एवन कोमल ने बोला एवन और स्नेहल ने बोला नहीं है ठीक है और ठीक है चलो तो बाकी सब नॉट जा, लखन ने बोला नहीं है वेरी गुड तो जहां तक मुझे लग रहा है का 50 -50 का चल नहीं चलो ठीक है मैक्सिमम लोगों ने बोला है कि इट इज एवन अब चेक करते हैं मतलब 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 बताओ क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता होता है है इसका इसका बेसिकली कि कंपनी ने आपकी पगार नहीं दी है ठीक है अब अब आपको कंपनी कंपनी के पॉइंट से से बात करना तो जब टाइम सैलरी नहीं दे रहा है तो ऐसा सैलरी जो अक्रू हो गया लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया, उसको बोलता अब जिसके बुक्स में दिख रहा है क्या? ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसके अगेंस्ट कैश डिलीवर करना ही पड़ेगा ना अब जो इंसान बोलता है नी न्यू सर कैश क्यों देंगे तो ऐसा मान लो आपके प्रिंसिपल ने जो आप आर्टिकलशिप कर रहे हो ना ऐसा मान लो आपके प्रिंसिपल ने आपकी स्टाइपेंड रोक दी नहीं दी स्टाइपेंड आपको तो वो कंपनी क्या बोलेगी वो फर्म क्या बोलेगी उसके लिए वो आउटस्टैंडिंग स्टाइपेंड है अब बताओ तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए वापस चाहिए ना तो अब बताओ उस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से

समझे क्या सर सोचना क्या है कि स्टाइपेंट रोक दी हो ही स्टाइपेंट नहीं दे रहा तुम्हारा प्रिंसिपल तुमको क्या है गरीबों की फर्म में तुम काम कर रहे हो मेरे पास काम करो जैसे मैं यहां चिटिंग कर... चीट... तो नहीं बोलूंगा जैसे मैं यहां कितना फेयर गेम खेलता हूं वैसे तुमको एकदम तुम फेयरली स्टाइपेंट दूंगा पांच रुपया सुन लो आगे फोर्थ पॉइंट एडवांस इनकम सर एडवांस इनकम लाइबिलिटी होती है एडवांस इनकम इज अ नॉर्मल लाइबिलिटी पहले तो ये बता दो कैसे

हरी ने बोला नहीं है सब ने बोला नहीं है कैश डिलीवर नहीं करना सर्विस देनी है अंशिका ने तो यार पूरा इतना भी सच नहीं बोलना था नॉट राइट टू पे मुरली ने भी बोल वेरी गुड यार मतलब चलो दिया तुमको अभी टू ऑल हो गया ठीक है इट इज नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाई अरे जो तुमने मुझे एडवांस इनकम दिया है अब मेरे लिए लाइबिलिटी गई ना वो अब मुझे इस एडवांस इनकम के अगेंस्ट तुमको क्या पैसा वापस देना है क्या नहीं मुझे गुड्स एंड सर्विस देना है तुमको वापस बराबर सर्विस so, <coughs> तो तो ब्रैकेट में लिख दो क्या में डिलीवर करूंगा नॉट अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी ठीक है आगे बढ़ते मजा आ रहा है थ्री थ्री होगा क्या तुम्हारा थ्री कहां से हो गया अभी थ्री हो गया तुम्हारा ये थ्री कहां जब खेला ही मैंने चार है तो थ्री टू कैसे हुआ भाई तो एक कुछ भी चिड़के लोग बोलते थ्री टू थ्री टू कैसे हो गया जब मैंने पूछे ही चार आइटम है तो पहले दो के मेरे जवाब, जवाब दे तो थ्री 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 टू कैसे हुआ चिड़के लोग चिड़कू कच्चा लिंबूस हा अच्छा इसमें भी एक और है इसका एक और का कम आंसर देता तो हूँ फटाफट से सुन लो अगर ये एडवांस इनकम जो मैंने तुमसे रिसीव की अगर ये रिफंडेबल हो गई तो जैसे मैंने तुमको सर्विस सर्विस देने से रिफ्यूज कर दिया मैंने तुमको सर्विस रिफ्यूज कर दी तो तुम पैसा वापस मांगोगे तो अब मुझे इसको अगर रिफंड करना है इफ इफ इट बिकम्स रिफंडेबल आई हैव टू पे द मनी बैक टू यू तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा और ये होगा एज पर ए वन बिकॉज नाउ व्हेन आई रिफ्यूज टू गिव द सर्विस आई हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू टू डिलीवर क्या बोलते डिलीवर कैश तो इसका मैंने जवाब दिया तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया थ्री वन बोलते किसी एक का दो पॉइंट था वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था इसका दो पॉइंट था टू <laughs> मजा आ रहा है यार जीत का मजा ही कुछ और है भाई चलो ठीक है अब जोक सपाट अब यहां ध्यान देना ठीक है सपोज आपने डिवेंचर इशू किया डिबेंचर इशू किया।, किया है ठीक है डिवेंचर इशू किया है इशू कैसे किया है पैसा रेस करने के लिए जैसे लोन लेते हो बैंक से वैसे अगर आपको पब्लिक से पैसा चाहिए तो आप डिवेंचर इशू करते हो ठीक है तो डिवेंचर खरीदा नहीं है किसी कंपनी का आपने आपने इशू किया खुद पैसा रेस करने के लिए तो डिवेंचर में क्या होता है आपको जब डिवेंचर से पैसा रेस करते हो तो फ्यूचर में इंटरेस्ट देना है कैश में और ये नॉर्मल डिवेंचर है तो फ्यूचर में प्रिंसिपल भी देना है कैश में तो इंटरेस्ट देना है कैश में प्रिंसिपल देना है कैश में फ्यूचर में अब बताओ ये है कि नहीं जल्दी बताओ कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से यस इट इज़ बोलते हैं यस है राहुल बोलता है दीपक बोलता है राज बोलता है तुषार ने बोला है ओमकार ने बोला सीवन ओमकार को पता नहीं सी किधर दिख रहा है अरे ओमकार तू मेरे को सी समझ रहा है दिख गया गया तेरे को मेरे बताया नहीं इसके अंदर कहां से आ पागल आदमी मैं तुमको लाइब्रेरी डिस्कस कर रहा हूं उसमें है एवन ए टू वो सीवन में जा रहा है भाई मेरे माथे पे सी लिखा है क्या सीवन कहा से आया भाई एवन एवन या नहीं है वो बता बस ठीक है यस yes. जब आप डिबेंचर से पैसा रेस करते हो तो तुमको इंटरेस्ट देना है कैश में तुमको प्रिंसिपल देना है कैश में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन डिलीवर कैश क्योंकि आज पैसा रेस किया है जैसे लोन की तरह लोन में पैसा लेते हो तो फ्यूचर में दोगे ना इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो है फिनेंशियल एबिलिटी है एज पर पॉइंट नंबर ए वन दोनों में ए वन ही आएगा वेरी गुड चलो ठीक है तो तुम जीते हंसमा तो ओमकार उधर ओमकार हंसता ही ही करके मेरा दिल बैठा जा रहा है भाई इधर <laughs> चलो ठीक है मालिक चिप्स मांग रहा है ठीक है, चल इसका दिया तुमको पॉइंट फोर थ्री फोर थ्री फोर था मेरा और थ्री तुम्हारा चलो फोर कैसे हुआ सर आपका मेरा हो जाता है फोर ऐसे, आगे सेवेंथ सुन लो एक चीज और बोलता हूँ कन्वर्टेबल डिवेंचर अगर होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर मैंने इशू किया है तुमको समझता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करना मतलब तुमने आज पैसा रेस किया ठीक है आज तुमने पैसा रेस किया लेकिन कैसे इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेस किया कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से और तुमने ये बोला अभी आंसर मत करो सिर्फ सुनो मेरी बात ठीक है तुमने ये बोला कि मैं तुमको फ्यूचर में इंटरेस्ट दूंगा है ना मतलब जिससे पैसा तुमने रेस किया उसको तुमने क्या बोला कि हम तुमको फ्यूचर में इंटरेस्ट देंगे लेकिन जब प्रिंसिपल देने की बारी आएगी तो प्रिंसिपल में कैश नहीं देंगे प्रिंसिपल में कैश नहीं देंगे हम अपने कंपनी के शेयर्स दे देंगे हम क्या कर देंगे अपने कंपनी के शेयर्स दे देंगे अब मेरी बात सुनना मेरे को आंसर नहीं चाहिए सुन लो जब आपको इंटरेस्ट देना है मैं एक बार इंटरेस्ट वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है इंटरेस्ट वाला पार्ट भूल जाओ एक बार के लिए जब आपको कन्वर्टेबल डिवेंचर में प्रिंसिपल वापस देने की बात आएगी तो मैं बोलू प्रिंसिपल में आप कैश नहीं दोगे प्रिंसिपल में आप ओन इक्विटी शेयर्स दोगे खुद के इक्विटी शेयर्स आप क्या करोगे डिलीवर करोगे किसके इक्विटी शेयर्स खुद के इक्विटी शेयर्स ठीक है यू विल डिलीवर ओन इक्विटी शेयर्स

अगर आपने डायरेक्टली पैसा रेस किया होता शेयर्स इशू करके अब मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं जो कंपनी इशू कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं अगर आपने डायरेक्टली पैसा रेस किया होता इक्विटी शेयर इशू करके तो बताओ मुझे आप ऐसा दिखाते हो ना उसको इक्विटी के कॉलम में आप दिखाते हो ना इक्विटी शेयर कैपिटल यहां दिखाते हो ना इक्विटी वाले कॉलम में दिखाते हो ना जब आप इक्विटी से पैसा रेस करते हो सिमिलरली जब आप कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करते हो तो आपने क्या बोला है कि कन्वर्जन पे मैं तुमको खुद के शेयर दूंगा तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को तुम आज से ही क्या बोलोगे आज से इक्विटी बोलोगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलोगे आज से इक्विटी इक्विटी मतलब ये फाइनेंशियल एबिलिटी हुआ 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 ही नहीं ये क्या हुआ? हुआ। तुम समझ रहे हो क्या अब काफी लोग बोलेंगे सर ए टू क्यू नहीं है खुद के इक्विटी शेयर कभी भी फाइनेंशियल नहीं होते आप आप क्या बोलोगे सर देयर इज अ ऑब्लिकेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल खुद के इक्विटी शेयर

और जो भी इंटरलिंकिंग करवानी है मैं करवा दूंगा उसकी अभी सिर्फ ईश्वर के पॉइंट से बात करो जहां को खुद के शेयर देने हैं है तुमने चीज नोटिस करी अगर तुम एक चीज नोटिस करोगे अपने को बचपन में कुछ सिखाया गया था क्या सिखाया था बचपन डिबेंचर हमेशा लाइबिलिटी होता है यही बोला था अपने बचपन में आज तुम्हारा बचपन से चकना कर दिया क्यों देखो डिवेंचर को मैंने आज इक्विटी बोल दिया कैसे कौन सा डिवेंचर को कन्वर्टेबल डिवेंचर को अपने को क्या बोला था डिवेंचर हमेशा लाइबिलिटी होता है प्रेफरेंशियल हमेशा इक्विटी होता है ऐसा बोला था ना अपने को ऐसा नहीं होता है अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ने अपने को बोला सब्सटेंस ओवर फॉर्म देख बेटा नाम मत पड़ा यह देख कि इसका नेचर क्या है तो अगर नॉर्मल डिवेंचर इशू किया होता तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों कैश में देना है

एक तरीका होता है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेस करो एक होता है कंपनी ने खुद के शेयर इशू कर दिया इशू ऑफ ओन इक्विटी शेयर जहां कंपनी खुद के इक्विटी शेयर इशू करता है अब मुझे बताओ ये कौन सा नेचर हो गया अगेन परफेक्ट आंसर ये इक्विटी हो गया यही तो आपने सीखा जहां आपको खुद के शेयर इशू करने आज इशू करना है या फ्यूचर में खुद के शेयर इशू करने फर्क नहीं पड़ता खुद के शेयर इशू करोगे ना इक्विटी इज नॉट अशियलिटी वेरी गुड तो आज से इक्विटी बोलना है इसको. तुम समझ रहे हो मेरी बात यस वेरी गुड हाँ अब तुमने जवाब देना चालू कर दिया ठीक है तो ये ट्रायल राउंड हो गया अभी अब मजा आएगा सुन लो नाइन पॉइंट सुन लो पहले अगर मैंने, अगर मैंने कन्वर्टेबल इशू किया क्या इशू किया कन्वर्टेबल शेयर अब मेरी बात ध्यान से सुनना कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियर इशू किया इसमें क्या होता है प्रेफरेंशियर में अपन डिविडेंड देते हैं एक बार के लिए डिविडेंट की बात नहीं करते छोड़ दो एक बार के लिए ठीक है मैं उसकी बात बाद में करूंगा तो समझ लो कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल आप देने वाले हो प्रिंसिपल है ना प्रिंसिपल में क्या दोगे कन्वर्टेबल है ना तो प्रिंसिपल जब पैसा वापस देने की बारी आएगी तो इसमें क्या दोगे आप खुद के इक्विटी शेयर दोगे यू विल गिव ओन इक्विटी शेयर कन्वर्टेबल है ना इसलिए अब बताओ एफ एल की इक्विटी अंजलि ने बोला इक्विटी ललित ने बोला इक्विटी प्रथम ने बोला इक्विटी मृंडाली ने बोला इक्विटी भाई मृणाली नाम की कौन लड़की है वेरी गुड <laughs> चलो, चलो इसका मैं तुमको पॉइंट दूंगा ठीक है ये इक्विटी हो गया क्यों क्योंकि यहाँ तुमको क्या देना है खुद के शेयर देने है फॉर ऑल ठीक है तो जहां खुद के शेयर देने वो इक्विटी है अब असली गेम खेलता हूं आओ सपोज मैंने नॉर्मल किया क्या किया? मैंने किया। तुमको प्रेफरेंशेर? प्रेफरेंशेर करने का मतलब है, जो है आप कैश में दोगे। ना चलो डिविडेंड की बात मत करो भी चलेगा छोड़ दो तो इसको और जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल में भी आप पैसा ही दोगे वापस इसमें भी आप कैश डिलीवर करोगे नॉर्मल है ना तो जब इसका डेट खत्म हो जाएगा पांच साल के लिए पैसा रेस किया फॉर एग्जाम्पल ठीक है अब पांच साल के लिए पैसा रेस किया तो डिविडेंड देना और पांच साल पांच साल के प्रिंसिपल देना है एक बार डिविडेंड भूल जाओ चलो कोई बात नहीं प्रिंसिपल तो कैश में देना ना आपको बताओ देनाल की इक्विटी बताओ लखन ने बोला ए वन आरती ने बोला ए वन सोनाली करिश्मा प्राची ने बोला एफ एल है इक्विटी एक, नहीं है एफ एल है ए वन और करिश्मा कोमल साक्षी मोहित प्रशांत साहब ने बोला ए वन वेरी गुड आंसर अब ये आपका एफ एल है एज पर ए वन सर क्यू एफ एल अरे बबा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश ए वन है sir. तुम समझे क्या क्या अब अब सुनो मेरी बात याद है तुम्हारे ए एस का अगर तुमको स्केड्यूल थ्री का फॉर्मेट याद है ए एस में एस में ऐसा होता था शेयर होल्डर्स फंड उसमें बोलता था शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में आता था दो इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस कैपिटल मतलब ए एस बाय डिफॉल्ट मान के चलता था कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपके शेयर होल्डर फंड इक्विटी वाले कॉलम का पार्ट बनेगा यह एस मान के चलता था इंडेस इंडेस ने ने क्या बोला ने बोला भाई जस्ट बिकॉज नाम प्रेफरेंस है इसका मतलब यह नहीं कि इक्विटी में दिखा दो ना यह देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस में तुम प्रिंसिपल में शेयर देने वाले हो या प्रिंसिपल में कैश देने वाले हो मतलब बेसिकली प्रेफरेंस कन्वर्टेबल है या प्रेफरेंस नॉर्मल है अगर नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर है तो वो लाइबिलिटी है लेकिन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तब वो इक्विटी होगा मतलब आज के बाद कभी बोल मत देना कि डिवेंचर लाइबिलिटी है प्रेफरेंस इक्विटी कभी मत बोल देना इंटरव्यू में फिनेंशियल जाता है कभी पूछ लिया बाई चांस बताओ डिवेंचर तो है? है, है, इक्विटी पूछना सर कौन सा डिवेंचर है नॉर्मल की कन्वर्टेबल अगर कन्वर्टेबल है तो फिर इक्विटी में जाएगा समझे गया ध्यान रखना ये तुमने राइट आंसर किया वैसे तो तुमको दिया पॉइंट फोर ऑल फोर ऑल ना कि तुम्हारा फाइव मेरा फोर तुम्हारा फाइव मेरा फोर हाँ ठीक है चलो जीतूंगा तो मैं ही <laughs> इतना आंसर किया तुमने ठीक है सुन लो एक और लास्ट नॉर्मली ट्रेड पेबल को हम क्या देते हैं ट्रेड पेबल को हम पैसा देते हैं वापस वी डिलीवर कैश ठीक है सपोज हमने बोला ट्रेड पेबल को कि पैसा नहीं देंगे पैसा नहीं देंगे क्या देंगे पैसे के बदले मेरे पास बिल्स पड़े बिल्स रिसीबल पड़े मेरे पास मतलब मेरे किसी और पार्टी से मुझे पैसा आने वाला था तो वो बिल्स पड़े मेरे पास तो मैंने मेरे पेबल को बोला कि बिल्स रख ले मतलब मैंने एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एक कैश छोड़ के कोई दूसरा फाइनेंशियल असर किया है मैंने ट्रेड पेबल को मतलब एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी को कैश छोड़ के कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट प्रॉमिस किया है परफेक्ट आंसर अब ये है एफ एल का ए टू अब तुमको ऐसा दिख जाएगा कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट इसका एक एग्जाम्पल बन सकता है ठीक है जब आप अपने देखो एक था वो सी ऊपर वाले में असट वाले डेफिनेशन में जहां आप एक फाइनेंशियल एसेट को दूसरा फाइनेंशियल असेट डिलीवर कर रहे हो और एक है ये वाला तुम्हारा है ना जहां आप एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी को एक फाइनेंशियल एसेट प्रॉमिस कर रहे हो ए टू ठीक है एग्जाम पॉइंट नॉट दैट क्रिटिकल बट एग्जिस्ट करता तो ध्यान रखना बस ठीक है उसके अलावा इनकम टैक्स पेबल इनकम टैक्स पेबल ये यहां कवर नहीं होता है अगेन दिस इज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो ये तुमको मैंने पहले ही बता दिया है ठीक है तो ये आउट ऑफ स्कोप है तो क्योंकि मैंने बताया तो मेरे को बनती है गुरु दक्षिणा तो एक्स्ट्रा पॉइंट मेरे को तो अभी सिक्स ऑल हो गया तुम्हारा सिक्स था मेरा फोर्थ था अब इसका मुझे दो पॉइंट मिलेगा सिक्स ऑल हो गया ठीक है और आखिरी अगर कोई प्रोविजन है प्रोविजन फॉर वारंटी प्रोविजन फॉर बैड डेट जो भी है प्रोविजन ऑल्सो आउट ऑफ स्कोप क्योंकि ये प्रोविजन कहा कवर्ड है प्रोविजंस कवर्ड है अलग से इंडिया 37 के अंदर तो इसकी बात यहाँ नहीं करना ठीक है तो ये भी मेरे को मैंने बताया तो मुझे एक पॉइंट सेवन सिक्स जीत गया मैं <coughs> मजा आ गया सच्चाई की जीत हुई गाइस नहीं नहीं चलो ठीक है गलत किया देव से नही ठीक है तुम जीते ठीक है देखो फाइनेंशियल असट वाला जीता लाइब्रेट वाला तुम जीते चलो वन ऑल हो गया ठीक है चलो एक एक एक्स्ट्रा नोट लिख के रखो दिया, दिया ना वाला दिया, दिया ना तुमको रोते क्या तुम लोग रोते क्या हो तुम लोग दिया ना तुमको लाइब्रेटी वाला तुम जीता असट वाला मैं जीता ठीक है वन ऑल मतलब, हो गया मतलब ओवरऑल वन ऑल हो गया ठीक है आगे आगे खेलेंगे अपन वापस न, मैं नहीं खेल रहा बोलते ठीक है जो भी है समझे तुम प्रोविजन वगैरह है तो आउट ऑफ स्कोप है तो अपन ने एक और चीज सीखी एफएल में अपन एक्चुअली एक और चीज सीखी पता है क्या सीखा कि जहां आपको खुद के इक्विटी शेयर डिलीवर करने हैं व्हेन यू हैव टू डिलीवर ओन इक्विटी शेयर्स ओन इक्विटी शेयर डिलीवर करना है तो उसको एफएल नहीं बोलते हैं उसको इक्विटी बोलते हैं मैं इक्विटी को फॉर्मली नीचे डिफाइन करूंगा बट फिलहाल आप लिख के रखो बस इतना सर आप लाइफ में जीते हो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में क्या ही चीज है दीपक सेंटी मत कर ठीक है चलो क्लियर विद दिस गाइस बहुत ही मजा आया परफेक्ट है भाई मजा आ गया फील आ गया एकदम ही ठीक है तो ये क्या था डेफिनेशन थे फाइनेंशियल अब देखो क्या बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है किसी एक पार्टी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होता है और यही सेम इंस्ट्रूमेंट सामने वाले पार्टी के लिए या तो एफएल या तो इक्विटी होता है तो जाके बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है फल एग्जाम्पल डिस्कस किया और फाइनेंशियल एबिलिटी yes, आपने डिफाइन किया और उसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए लेकिन अभी भी मेरी जो क्लैरिटी वो आधी अधूरी है क्यों मैंने कितने जगह पे क्रॉस करवाया कि भूल जाओ इंटरेस्ट है भूल जाओ डिविडेंड है ये सब ये सब बातें मुझे और करनी है आपसे बट जो मुझे बेस बिल्ड करना था ना आपका कि फाइनेंशियल एसेट होता क्या फाइनेंशियल एबिलिटी होता क्या है वो मैंने बिल्ड कर दिया आपके लिए ठीक है दिस क्रिटिकल तो मेरे ख्याल क्या करते हैं अभी लेते हैं ठीक है फिर ब्रेक के बाद रिज्यूम करते फोर अलॉट करना आपको, और ये एक, एक बार खुद रिवाइज कर लेना ब्रेक में ठीक है? मतलब जितना ब्रेक दूंगा मैं आपको दो मिनट ज्यादा तीन मिनट ज्यादा ब्रेक दे दूंगा तो तीन मिनट में जो अब तक पड़ा वो रिवाइज एक्स्ट्रा करना तो सपोज इफ यू टू टेक टेन मिनट्स ब्रेक

उस पर थोड़ा विस्तार में बात कर सकता हूं आओगे मेरे साथ बोल आएगा बोल आएगा आएगा ना सर चलो आ जाओ तो फटाफट से एक बार मैं डिस्कशन कर लो एक जल्दी से ठीक है हेडिंग 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 दे देंगे अपन मत दो दो कुछ भी के लिए जगह छोड़ क्योंकि दूंगा तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके आइडेंटिफाई करना हेडिंग के लिए जगह छोड़ देना हेडिंग बाद में दूंगा ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना सपोज मैं ईश्वर हूं मैं कौन हूं ईश्वर अभी ईश्वर मतलब गॉड नहीं नॉट ईश्वर ईशुअर ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा है ठीक है अब मैंने क्या इशू किया मैंने डिवेंचर इचर इशू किया मतलब पॉइंट से बात कर रहा हूं बेसिकली अब अबेंचर दो प्रकार के होते हैं मोटा मोटी है ना एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर वेन आई सी रिडीमेबल इज द मीनिंग ऑफ रिडीमेबल रिडीमेबल का मतलब होता है मैं जब पैसा डिवेंचर से रेस कर रहा हूं

और जब मैं प्रिंसिपल दूंगा तब भी मैं कैश में दूंगा अब जब मुझे इंटरेस्ट भी कैश में डिलीवर करना है मुझे प्रिंसिपल भी कैश में डिलीवर करना है तो ऐसे रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट को आपने मुझे क्या कहा था आपने बताया था सर दोनों का दोनों एफ ही है ये वाला पोर्शन भी एफ है, ये वाला पोर्शन भी एफ है तो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही एफ है एफ मतलब फाइनेंशियल लाइबिलिटी यही कहा था आपने अरे यस और नो सिर्फ समराइज कर रहा हूँ आपके लिए और कुछ नहीं रिडीमेबल है कैश में देना तो इंटरेस्ट भी कैश में प्रिंसिपल भी कैश में दोनों एफ है तो पूरा इंस्ट्रूमेंट एफ हो गया सिंपल सर एकदम सिंपल अब यहां आ जाओ आगे क्या बोलते हैं सुन लो अगर सपोज यही कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता यही कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होता और ये कंपलसरी कन्वर्टेबल होता ठीक है मतलब पक्का पक्का कन्वर्ट होएगा क्या होएगा पक्का पक्का राजा बेटा कन्वर्ट होएगा ये तो अगर ये पक्का पक्का कन्वर्ट होके ही मानेगा पक्का पक्का कन्वर्ट होके ही मानेगा तो उस केस में अब मेरे दो हिस्से हो गए ठीक है अगेन अब मेरा एक हो गया इंटरेस्ट का हिस्सा ठीक है देखो आप कन्वर्टेबल इशू करो रिडीमेबल इशू करो इंटरेस्ट आपको रोकड़े में ही देना होता है इंटरेस्ट में आप कैश ही दोगे ठीक है है और जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल में क्योंकि कन्वर्टेबल है तो प्रिंसिपल में क्या देने वाले हो ओन इक्विटी शेयर देने वाले हो क्या देने वाले हो ओन इक्विटी शेयर देने वाले हो अब आप सब लोग समझदार बच्चे सोच के बताओगे कि जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है उसको मैं क्या बोलूंगा एफ एल बोलू की इक्विटी बोलू और जो प्रिंसिपल वाला पुरुष को इक्विटी बोलू बताओ क्या कहूंगा मैं जल्दी जल्दी मुझे सब लोग आंसर करेंगे फटाफट से ठीक है कन्वर्टेबल है कन्वर्टेबल है है पक्का पक्का कन्वर्ट होके ही मानेगा ठीक तो अब इंटरेस्ट देना है कैश में प्रिंसिपल देना है खुद के इक्विटी शेयर में जवाब दोगे आप सब लोग तो मुझे बोला एफ एल है इंटरेस्ट एफ एल इंटरेस्ट सबने बोला इंटरेस्ट एफ एल है वेरी गुड मान लिया इंटरेस्ट एफ एल है मान लिया क्योंकि इंटरेस्ट में कैश देना है तो मान लिया लेकिन वेरी गुड आंसर अंशिका ओमकार यश हरी साक्षी सब ने एकदम करेक्ट आंसर किया क्या कि सर प्रिंसिपल में तो खुद की इक्विटी शेयर दोगे ना तो प्रिंसिपल बनेगा आपका इक्विटी क्या बनेगा प्रिंसिपल आपका इक्विटी बनेगा इंटरेस्ट बनेगा एफएल प्रिंसिपल बनेगा इक्विटी मतलब सर एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति है ना मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट जैसे थोड़ा थोड़ा पार्ट एफएल है थोड़ा थोड़ा पार्ट इक्विटी है सर ऐसा कैसे हो गया क्योंकि इंटरेस्ट आप कैश में देने वाले हो ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश इज एफ प्रिंसिपल आप खुद के इक्विटी शेयर में दोगे कन्वर्टेबल है इसलिए तो ऑब्लगेशन टू डिलीवर ओन इक्विटी शेयर इज इक्विटी जब एक इंस्ट्रूमेंट में दो की शक्ति आ जाए जब थोड़ा एफ थोड़ा इक्विटी आ जाए पता है क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट

ठीक है ध्यान रखना चलो ऋषभ उसकी बात करेंगे पेशेंस क्लियर आ गया जाओ अब सपोज यही बातें मैं करूंगा ये मैं कौन हूं मैं ईश्वर ठीक है और बातें करनी है मुझे इसके लिए ठीक है अब मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बातें करूंगा प्रेफरेंस शेयर्स की बातें करूंगा प्रेफरेंस शेयर में भी दो कैटेगरी होती है प्रेफरेंस शेयर में भी दो कैटेगरी होती है मुझे राज पूछता है सर डेरिवेटिव वाले केस में क्या होगा राज मैंने डेरिवेटिव की बातें की नहीं ना आपको सब अभी जानना है तो मैं कैसे बता दूं आपको सब है ना तो थोड़ा पेशेंस रखोगे तो मजा ही आ जाएगा राज एकदम मजा आ जाएगा ठीक है चलो <coughs> प्रेफरेंस शेयर की सेम बातें करूंगा प्रेफरेंस शेयर भी दो प्रकार के होते हैं एक होता है रिडीमेबल जो रोकड़े में रिडीम करना है ठीक है अब प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट नहीं होता है इंटरेस्ट के बदले क्या होता है वेरी गुड डिविडेंड होता है हाँ क्या होता है डिविडेंड होता है है ना जैसे प्रे... जैसे डिबेंचर में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वैसे प्रेफरेंस में फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है है ना लेकिन अब ये डिविडेंड पक्का पक्का देना होता है या डिस्क्रिशनरी होता है मतलब पैसा हुआ तो देना है या पक्का पक्का देना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनी ने जो एग्रीमेंट किया अपने होल्डर्स के साथ इन्वेस्टर्स के साथ उस पर डिपेंड करता है जैसे इंटरेस्ट तो पक्का पक्का देना ही होता है मैंडेटरी होता है डिविडेंड में डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल कि डिविडेंड डिस्क्रिशनरी हो इट इज पॉसिबल कि डिविडेंड डिस्क्रिशनरी हो एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कुछ कुछ केस में डिविडेंड मैंडेटरी हो वो एक्चुअली है ना हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे हमको उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ता है

क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो यही पूछोगे ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो मैं क्या अज्यूम करूं है ना मैंने प्रपोज तो कर लिया अब उसने कोई जवाब ही नहीं दिया तो हम क्या बोलते लड़की की नाम है हां होती है वैसे ही अगर कुछ नहीं बोला तो मैंडेटरी होता है कुछ भी <laughs> यही अजम्पशन है भाई ध्यान रखो चलो ठीक है तो नथिंग इज मेंशनड लिख दो इधर लिख दो गया थिंग इज मेंशन तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझू बोलो हाँ समझो सर अज्यूम डिविडेंड इज मैंडेटरी इफ नथिंग इज मेंज्यूम डिविडेंड इज मैंडेटरी बराबर यस सर बराबर ठीक है अच्छा डिविडेंड तो डिविडेंड की मैंने बातें कर ली है अब कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे मैंडेटरी है ठीक है देना है हमको जब दिया वेगा डिस्कशन तो उसकी बात मैं क्वेश्चन में कर लूंगा अभी फिलहाल छोड़ दो तो मैंडेटरी है और क्योंकि था अब है तो मुझे बताओ ना प्रिंसिपल किस में दूंगा रे अरे प्रिंसिपल मतलब तुम्हारा स्कूल का प्रिंसिपल नहीं <laughs> पैसे में प्रिंसिपल किस में दूंगा रिडीमेबल है बताओ <coughs> प्रिंसिपल कैसे देंगे वेरी गुड प्रिंसिपल भी कैश में देंगे ठीक है तो अगर कैश में देना तो वेरी गुड एफ एल एफ एल होगा सर ठीक समझे तुम अब इसी की बात कर लेते फटाफट से अगर यही प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल होता तो कंपलसरी कन्वर्टेबल होता तो कंपलसरी कन्वर्टेबल होता तो 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 बताओ कंपलसरी कन्वर्टेबल होता तो क्या होता तो उस केस में हम चलो डिविडेंड देना है मैं मान रहा हूं मैंडेटरी ठीक है कुछ नहीं बोला तो तो डिविडेंड देंगे कैश में ठीक है प्रिंसिपल पक्का कन्वर्टेबल है तो प्रिंसिपल में क्या देंगे ओन इक्विटी शेयर अब मुझे बताओ क्या होगा वाह मुझे ना सबसे पहले किसने बढ़िया बढ़िया आंसर किया जल्दी से मेरे को बताओ श्यामली अंशिका जल्दी से बताओ बाकी लोग भी बताओ आगे बाकी लोग बताओ बाकी लोग बताओ जल्दी जल्दी बताओ हाँ वेरी गुड जब डिविडेंड देना मैंडेटरी है तो कैश में देंगे प्रिंसिपल कन्वर्टेबल है तो ओन इक्विटी शेयर देंगे तो थोड़ा एफ थोड़ा इक्विटी अरे थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक थोड़ा एफ थोड़ा इक्विटी तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया आपका सी एफ आई वेरी गुड मजा आ गया थोड़ा एफ थोड़ा इक्विटी पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया आपका सी एफ आई यही मुझे जवाब चाहिए था आपसे समझे भी कैसे जवाब दोगे मजा आ गया सर आगे बढ़ो सर ये आपके मैंने सी एफ आई की बात कर ली तो इसकी हेडिंग, हेडिंग छोड़कर रखी थी ना जगह ऊपर हेडिंग कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का और ब्रैकेट में इसका मीनिंग लिख दो सिंगल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्विटी सिंगल इंस्ट्रूमेंट में सी एफ आई एकदम आसान भाषा में भाई इससे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता मजा आ गया मजा आ गया सर आगे बढ़ो ठीक है अब मैं और एग्जांपल लेना चाहूंगा थोड़ा हल्का डेप्थ टच करना चाहूंगा मैं आपकी इजाजत हो तो मैं कर दू गौर फरमाइएगा हजरात 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 गौर फरमाइएगा ठीक <laughs> है कर दू कर दो सर, कर दो आप कह रहे हो तो कर दो सर चलो सुनो मैं अभी भी कौन हूं मैं अभी भी ईश्वर हूं कौन हूं मैं ईश्वर मैं अभी भी हूं ईश्वर ठीक है चलो अब डिवेंचर की बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं डिवेंचर की बात कर लेते हैं सपोर्ट डिवेंचर कन्वर्टेबल है ठीक है अब मैं कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहा हूं डिवेंचर कन्वर्टेबल है बट क्या ये कंपल्सरी कन्वर्टेबल है क्या इट इज कंपल्सरी कन्वर्टेबल ना नहीं नहीं कंपल्सरी नहीं। कन्वर्टेबल नहीं है ठीक है वही है तो सर कन्वर्ट कन्वर्टेबल कब होगा ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन दिया गया है है ना ऐसा मान लो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा उसका ऑप्शन है होल्डर के पास एट द होल्डर

आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते ठीक है सर समझ गए अब अगर कन्वर्जन का ऑप्शन होल्डर के पास है तो ये जो आपको इंटरेस्ट देना है ये तो कैश में देना है ये तो एफ है इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें तो बात ही मत करना इंटरेस्ट तो देखो आप कैसा भी ऑप्शन कैसा भी डिवेंचर इंटरेस्ट देना है, आपको कैश में देना है मेन मजा आएगा प्रिंसिपल में प्रिंसिपल में अब प्रिंसिपल को मैं क्या बोलू क्योंकि मेरे को नहीं पता ना होल्डर क्या मांगेगा होल्डर पैसा भी मांग सकता है होल्डर मेरे शेयर भी मांग सकता है मतलब प्रिंसिपल में मुझे ओन इक्विटी शेयर भी डिलीवर करना पड़ सकता है मुझे इसमें कैश भी डिलीवर करना पड़ सकता है ये होल्डर कुछ भी मांग सकता है वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है है ना कुछ भी मांग सकता है ये अब मुझे तो डे वन पे बताना पड़ता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा है मैं वेट नहीं कर सकता होल्डर का बताने का कि तू क्या मांगेगा मेरे को बता दे आज होल्डर क्यों बताएगा तुमको आज होल्डर बताएगा इंस्ट्रूमेंट के लाइफ के खत्म होने के एंड पे कि क्या चाहिए उसको बट हमको तो आज बताना होता है मैं क्या करूंगा इसका है ना तो अब मेरी बात ध्यान से मेरे को बताओ होल्डर क्या मांगेगा वो तो अपन गेस नहीं कर सकते बट, can the issuer at its own will, क्या ईश्वर अपने दम पे कैश पेमेंट अवॉइड कर सकता है क्या मतलब अगर सपोज होल्डर ने मांगा कैश तो क्या ये इशूअर बोल सकता है नहीं दूंगा ऐसा बोल सकता है वो नहीं ना

तो इधर लिखना प्रिंसिपल में हम इशूअर है इश्यूअर एट इट इट्स ओन विल कैन नॉट अवॉइड पेइंग कैश जब आपके हाथ में ऑप्शन नहीं है ना तो आप प्रिंसिपल को एफ एल मान के चलना ये, ये सवाल इधर आया ही क्यों क्योंकि कन्वर्जन का ऑप्शन है कंपलसरी वाला नहीं है ये भैया मतलब डरते नहीं हो डरता तो नहीं हूं मैं देख रहा है छोड़ो वो सब अरे तो अगर भी प्रिंसिपल भी है, पूरा है। वरी, और डिस्कशन कर रहा हूँ एग्जाम्पल एक एक ले रहा हूँ मैं ताकि एकदम पक्के क्लैरिटी आपको मिल जाए मजा ही आ जाना चाहिए एकदम तो, फील आ जाना चाहिए ठीक है मजा देखना अभी अब तुम आंसर करोगे मजा आएगा मेरे को ठीक है पॉइंट ही लेते हैं आज एक कॉम्पिटिशन हो ही जाएगा गाइस आ जाओ सुन लो कन्वर्टेबल है लेकिन कन्वर्जन का ऑप्शन इश्यूअर के पास है ठीक है एट द ऑप्शन ऑफ इश्यूअर मतलब इश्यूअर की मर्जी है ठीक है इश्यूअर की मर्जी है भाई जो मांगना है मांग लेगा कैश ये कैश मांगेगा शेयर से शेयर मांगेगा तो उसने देखो इंटरेस्ट तो कैश में जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इंटरेस्ट एफएल है ठीक है ये मैंने बताया इसका मुझे 1 पॉइंट दे देना अब आते प्रिंसिपल के ऊपर ऑप्शन ईश्वर के पास है खुद बुद्धि लगा के बताओ क्या करूंगा ऑप्शन <coughs> ईश्वर के पास है अब ऑप्शन ईश्वर के पास है बताओ क्या करेंगे बोलता है आपू भगवान है हा अनुभव तूने ना कहीं ना कहीं डायरेक्टली आंसर कर दिया है वो तो बोलता है ही भगवान है जब ही भगवान हो ना जब ही भगवान हो तो तुम डिसाइड करोगे कैश देना है या शेयर देना है ठीक है अब मुझे बता, तो तुम्हारे हाथ में ऑप्शन है तुम तो कुछ भी दोगे वो क्या दोगे हमको नहीं मालूम वो तो बाद में डिसाइड करेंगे ना अपन आज के दिन पे सवाल पूछने का क्या हम अपने दम पे कैश पेमेंट अवॉइड कर सकते हैं क्या क्या हम अपने दम पे कैश पेमेंट अवॉइड कर सकते हैं क्या तो हाँ तो तुमने क्या बोला हाँ सर देखो आप दे तो कुछ भी सकते हो आप दे तो कैश भी सकते हो तो दे तो शेयर भी सकते हो वो छोड़ दो बट आप क्या कैश अवॉइड कर सकते हो क्या पे करना हाँ सर नहीं हुआ ना कब होता है? जब आप avoid नहीं कर सकते उस चीज़ को। मुझे बताओ कैन कैश पेमेंट एट योर ओन विल हाँ सर, option मेरे पास ही है। बीवी गई है। जब बीवी माइके गई है तो 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 मेरी मर्जी। मैं मैं दोस्तों से मैं कुछ भी तो तुम्हारे पास है, ऑब्लिगेशन तो हुआ ही नहीं। Very good, but तुमने सही आंसर दिया तो मैं लिख

सी एफ आई सी एफ आई कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तुम समझ रहे हो यस सर समझ रहे सर मजा आ गया फील आ गया भाई साहब ठीक है अच्छा ये सेम टू सेम डिस्कशन अगर मैं डिवेंचर के बदले वर्ड यूज कर लूँ प्रेफरेंस शेयर सेम लॉजिक प्रेफरेंस शेयर के बाद एलिजिबल है ठीक है सेम लॉजिक मतलब प्रेफरेंस शेयर में अगर कन्वर्टेबल ऑप्शनल हुआ तो सेम लॉजिक प्रेफरेंस के लिए भी आप है सेम लॉजिक फॉर प्रेफरेंस शेयर मजा आ गया मजा आ गया ठीक है ये आपका सीएफआई समझ समझा दिया मैंने आपको बट ये मैंने किसके पॉइंट ऑफ से समझा आपको इश्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सी एफ आई क्या होता है थोड़ा एफ एल हो थोड़ा इक्विटी हो तो ये सी एफ आई होता है ठीक है अब काफी बच्चे ना ये गलती करते हैं मतलब क्या गलती करते हैं सब उत सेम चीज मैं होल्डर के पॉइंट से बात करता हूँ ठीक है होल्डर मतलब कौन होता है इन्वेस्टर होता है वो ठीक है अब मजा आएगा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ऊपर वाला गेम कौन जीता वो तो टाई हो गया ना ऊपर वाला तो ये मैंने बताया था प्रिंसिपल आपने सही बताया तो वन ऑल हो गया <laughs> अभी होल्डर के पॉइंट से बात कर सुनना होल्डर <laughs> क्या करता है होल्डर इन्वेस्ट करता है इन्वेस्ट इन कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर तो होल्डर ने क्या किया इन्वेस्ट किया होल्डर हूं सपोज चलो मैं नहीं हूं ऐसा मान लेते ओंकार इज द होल्डर ठीक है ये, ये बेचारा क्यूट सा ओमकार अपने लिए होल्डर है ठीक है तो अगर ये बेचारा ओंकार होल्डर है और इसने क्या किया इन्वेस्ट किया कन्वर्टेबल कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर के अंदर किसके रिलायंस के रिलायंस लिमिटेड ठीक है अब थोड़ी बुद्धि कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर में इन्वेस्ट किया है तो ये बंदे को क्या क्या मिलेगा इस होल्डर को क्या क्या मिलेगा इसको एक तो इंटरेस्ट मिलेगा जिसमें उसको कैश रिसीव होगा मेरे को बताओ सबसे पहली बात जहां तुमको पैसा मिलने वाला होता है अब मैं होल्डर हूं ना तो एफएल एफएल मत खेलना अभी फिनेंशियल असर है कि नहीं यही पूछ रहा हूं तो इसको कैश मिलने वाला है बताओ ये फिनेंशियल है या नहीं है और अगर है तो एस पर विच डेफिनेशन रेफरेंस है डेफिनेशन में जाओ और देखो कि ए है B है C1, C2, क्या है बी क्या सोच समझ के बताना तो ये होल्डर को एक तो मिलेगा कैश मिलेगा मिलेगा अभी है नहीं इसके पास मिलेगा फ्यूचर में बताओ ये फिनेंशियल है कि नहीं है तो सबने बोला है फिनेंशियल को ही पता एस पर विच डेफिनेशन रेफरेंस वेरी गुड आंसर एस पर सी वन ना वन अरे ए मत बोलो डब्बो ए कब होता है जब तुमको तुम्हारे पास आज ही कैश बैलेंस है ये आज नहीं है तुमको फ्यूचर में मिलेगा ना धीरे धीरे करके तो एस पर सीवन समझा तुम ठीक है तो ये एस पर वन हो गया कैश मिलने वाला कोई तो टू बोलता है अरे तुम्हारा टू माता खराब है तुम या तो मेरे को बना रहे हो सी या तुम तुम जैसे आंसर कर रहे हो वो सी है क्या है भाई आंसर अरे बाबा सीटू में कब आएगा जब मुझे इक्विटी शेयर मिलने वाला है मैं क्यों बोलूंगा तुम्हारा माता खराब है क्या मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट पूछ रहा हूं वक्त से आगे मत आंसर करो तुमको गुस्सा करना ही पड़ता है बीच बीच में एक डोस देना ही पड़ता तुमको ठीक है इंटरेस्ट में कैश मिलेगा तो सी वन हो गया अब मैं प्रिंसिपल की बात ठीक है प्रिंसिपल में तुमको क्या मिलेगा प्रिंसिपल में तुमको इक्विटी शेयर मिलेगा रिलायंस का बताओ ये क्या है? जो भी है बता देना इक्विटी शेयर मिलने वाला रिलायंस का फ्यूचर में मिलेगा इक्विटी शेयर रिलायंस का सोच समझ के बताओ ये एफए है क्या है क्या है, जो बता दो मुझे ठीक है मैं आंसर का वेट कर रहा हूं जल्दी जल्दी प्रिंसिपल सी टू है सब बोलते हैं एफ ए सी टू है मैं कुछ जवाब का वेट कर रहा हूं मुझे दिया ही नहीं किसी ने वो जवाब सी टू है सी टू हर्ष हरीश ने बोला एफ ए है सी टू अनुभव ने बोला सी टू सौरभ ने बोला सी टू सब सी टू बोल रहे हैं यार कोई गलती नहीं कर रहा प्रशांत ने बोला एफ ए आशीष ने बोला सी टू शह सुन लो हाँ 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 ये देखो जितेंद्र ने क्या आंसर किया मेरे को जितेंद्र ने मेरा चुम्मा आंसर दे दिया जितेंद्र अलग ही एक टर्म लेकर आया है ठीक है जितेंद्र बोलता है इट इज कंपाउंड फाइनेंशियल मैंने ऐसा कोई टर्म इंट्रोड्यूस किया तुम्हारे सामने खुद से टर्म बना रहे हो खुद ही अलग पैदा कर रहे हो कुछ <laughs> सुन लो किसी और मिलना ये भी एफ है बट एज पर डेफिनेशन रेफरेंस सी टू बराबर एज पर डेफिनेशन रेफरेंस सी टू बराबर अब मेरी बात ध्यान से सुनना यही कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर जब मैंने ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था इधर देखो ईश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्टेबल तो थोड़ा एफ निकला थोड़ा इक्विटी निकला तो बना सी एफ बराबर और यही सेम टू सेम इंस्ट्रूमेंट जब से होल्डर के, तो के लिए इंटरेस्ट मिलना भी है होल्डर के लिए इक्विटी मिलना भी फाइनेंशियल अट है क्यों अरे क्योंकि उसको तो किसी और कंपनी का शेयर मिल रहा है ना होल्डर को होल्डर के लिए कोई इक्विटी इक्विटी मत बोल देना भूल से आधे लोग गलती क्या करते हैं बोलते हैं ये आ अरे होल्डर को तो तो किसी और कंपनी का शेयर मिल रहा है है उसके लिए वो होल्डर तो को पैसा मिले या किसी और कंपनी का शेयर मिले होल्डर को पैसा मिले या किसी और कंपनी का शेयर मिले उसके लिए वो फाइनेंशियल ही होता है उसके लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल असर्ट ही होता है इसका मतलब अब एक बात सुन के लड़ना रहा है मेरी ये जो ये जो कंसेप्ट है ना ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सी एफ आई वाला कंसेप्ट दिस कंसेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इशुअर यह चीज सिर्फ इशूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल हो सकती है होल्डर के लिए देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सी एफ आई होल्डर के लिए या तो फाइनेंशियल है या नहीं है सीएफआई वाला बीच का कोई रास्ता ही नहीं है इधर क्योंकि सीएफआई का मतलब क्या होता है थोड़ा एफ एल थोड़ा इक्विटी ये एफ एल इक्विटी की बात है तो जो बंदा इश्यू करता है वो करेगा ना जिस जो होल्डर है होल्डर तो सीधा बोलेगा या तो फाइनेंशियल असेट है या नहीं है तुम समझो जैसे तुम बनाते हो बैलेंस शीट तो इस तरफ आता है ना इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो बंदा यहां खड़ा है, असेट पे, उसके लिए या तो असेट है या फिर नहीं है बीच का सी एफ ध्यान रखना तो ये आधे लोग मिस्टेक करते लोग बोलते सर, होल्डर के लिए कंपल्सरी सी एफ क्यों नहीं हुआ आ रहे होल्डर के सीएफआई तो हो ही नहीं सकता वो होल्डर के लिए या तो फिनेंशियल सेट है या फिर नहीं है ठीक है अच्छा अपनी राधिका मैडम ने पता है क्या पूछा बोला सर ये सी टू वाला फाइनेंशियल क्यों हुआ ये डायरेक्टली आपने बी क्यों नहीं बोला मैं नहीं बता रहा राधिका मैडम खुद एक बार पढ़ो है ना चलो मैं बता ही देता हूँ फिर बाद में गाली मेरे को बकोगे बी में कब होते हो जब वो डायरेक्टली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था क्या नहीं ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था ना तो सी टू अभी भी नहीं समझा तो लेक्चर वापस देख लो उसके बाद भी नहीं समझा तो मैं जॉब छोड़ दूंगा फिर ठीक <laughs> है मजाक करो बट समझ गया ना अभी? तो मैं लिखा दू जो मैं इतना ज्ञान दिया आपको मैंने देखो एक चीज तो है कितना भी बढ़िया समझा दो दो बच्चे निकल कर आते ही है ऐसे की तरह और सर वजह एक बार और ये वही है बीवी को कितना ही बोल दो बीवी को रोज तुम बोल दो आई लव यू फिर भी वो पूछेगी दो दूसरे दिन ही पूछेगी ये में टेन रीजन वाई डू लव मी यू डोंट मिस मी ना तू जब मेरे तरफ वो अट्रैक्शन रहा नहीं ना है ना तेरा मेरे लिए प्यार कम हो गया एक बढ़िया नोट लिख दो चलो सुनो फॉर होल्डर देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सी एफ आई ना you know? तो सी एफ आई ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर ईश्वर ओनली फॉर ईश्वर डबल टाइम पूछ के पैसा वसूली करते हैं सर <laughs> तुमने इतना कितना करोड़ रुपया दिया है जो वसूल कर रहे हो तुम हाँ जितना दे रहे हो ना उसका चार पाँच गुना तुमको वैसे ही मिल रहा है ठीक है वसूल कर रहे बताओ <coughs> हो गया ये वाला पार्ट टन दिस वॉज द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो कि आपने बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया ठीक है अब एक और कंसेप्ट करा रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात क्या करा रहा हूँ सुन लो तो इंडे थर्टी टू में ये कराया ठीक है उसके अलावा ये कराया ठीक है अब मैं ये करा रहा हूँ फिक्स टू फिक्स टेस्ट ठीक है आ जाओ फिक्स टू फिक्स टेस्ट की हेडिंग दे दो सर ये कौन सा टेस्ट है ये कौन सा टेस्ट है सर एक तरीके से लॉयल्टी टेस्ट लॉयल्टी टेस्ट ठीक है कौन सा टेस्ट है लॉयल्टी टेस्ट ऐसा बोलने का एकदम तुम्हारा तुम कितने लॉयल उसका टेस्ट है ये है ऐसा कैसा टेस्ट है सर नहीं ये टेस्ट क्या क्या डिफाइन करता है कि हम बोलते हैं ना कि इक्विटी है हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल इज इक्विटी तो इसके लिए एक एडिशनल टेस्ट करना होता है

प्रिंसिपल में क्या देना होता है प्रिंसिपल में आप दोगे ओन इक्विटी शेयर तो हम क्या बोलते प्रिंसिपल इज इक्विटी ये बोलते हैं ना प्रिंसिपल में देना ओन इक्विटी शेयर तो बोलते प्रिंसिपल इज इक्विटी बट जब भी, भी आप किसी चीज को इक्विटी बोलोगे एक और कंडीशन है प्रोवाइडेड इट मीट्स

इसके कन्वर्जन पे इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा है ना ये आपने इशू किया और इसके कन्वर्जन पे आप इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपने जब ये बोला ना कि कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर रहा हूं तो डे वन पे दो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी डे वन पे दो चीज डिफाइन करनी पड़ेगी सबसे पहले कन्वर्जन पे आप कितने डिबेंचर्स कन्वर्ट करोगे द नंबर ऑफ डिबेंचर्स यू विल कन्वर्ट शुड बी फिक्सड ऑन डे वन इट शुड बी फिक्स ऑन डे वन एंड कन्वर्ट करके आप बदले में कितने इक्विटी शेयर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर विल दिस शुड ऑल्सो बी फिक्स ऑन डेवन आई रिपीट दिस अगेन आप जब कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट इशू करोगे तो कन्वर्जन पर आप कितने डिवेंचर दोगे इसका नंबर फिक्स होना चाहिए

क्या बोलते फिक्स टू फिक्स मीट होता है ना तो इक्विटी होता है तो ये क्या होता है इक्विटी होता है।, ये बात का ध्यान है।, बराबर? ठीक है तो ऐसे दोनों के नंबर्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे डे वन पे ठीक है अच्छा लेकिन 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 इफ अगर आपने दोनों में से एक भी नंबर नहीं बताया डे वन पे आपने बोला पांचों डिबेंचर कन्वर्ट करूंगा लेकिन कितने इक्विटी दूंगा ये नहीं बताया या फिर आपने बोला फाइव थाउजेंड इक्विटी शेयर दूंगा कन्वर्जन पे लेकिन अगेंस्ट कितने मतलब क्या होगा फिर भले आप प्रिंसिपल में देने वाले ओन इक्विटी शेयर डजेंट मैटर अगर फिक्स टू फिक्स टेस्ट मीट नहीं होता है इफ इट इज नॉट मेट इफ इट इज नॉट मेट देन इसको आप इक्विटी नहीं बोलोगे इसको आप बोलोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी इसको आप बोलोगे फाइनेंशियल लाइबिलिटी इफ द एफ टू एफ टेस्ट इज नॉट मेट मिट अगर एफ टू एफ मीट नहीं होगा तो ये आपके लिए इक्विटी नहीं आपके लिए होगा फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये आपको ध्यान रखना है मतलब एक भी जगह अगर नंबर डिफाइन नहीं किया गया तो इसको एफएल बोलेंगे अब ऐसा क्यों होता है सर वो भी बताऊंगा मैं आपको बट ये पहले समझ लो फिक्स टू फिक्स क्या होता टेस्ट क्या होता है वो समझ के ले लेना और नहीं मीट हुआ तो क्या होगा वो समझ के ले लेना ठीक है अब थोड़ा इस पर लॉजिक की बात करने का कोशिश करता हूँ ठीक है ये एफ एल क्यू बोलता है समझने का ट्राई करते हैं सपोज एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ समझ गया तो वेरी गुड वरना याद तो ही जाएगा ठीक है सपोज आपने डे वन पे ये फिक्स कर दिया कि आई विल कन्वर्ट फाइव हंड्रेड वेंचर्स ये आपने फिक्स कर दिया कि आप इतने डिबेंचर कन्वर्ट करोगे अच्छा लेकिन ये नहीं बताया कि बदले में कितने इक्विटी शेयर दोगे बदले में कितने इक्विटी शेयर दोगे आपने ये नहीं बताया ठीक है ये आपने रखा सस्पेंस में और आपने पता क्या बोला कि पांच साल के बाद मैं कन्वर्ट तो करूंगा और बदले में पता कितने शेयर दूंगा डिपेंड करता है कि उनके इक्विटी शेयर की प्राइस क्या है अगर इक्विटी शेयर मार्केट में ज्यादा वैल्यू पे बिक रहा है तो वो कम शेयर देकर निपटा देंगे अगर इक्विटी शेयर मार्केट में सस्ता वगैरह बिक रहा है तो फिर ज्यादा शेयर देंगे है ना मतलब ये इन्होंने यहां रखी क्या बोला वापस से रिपीट कर दू इनको ये बोला कि कन्वर्ट करेंगे आपके डिवेंचर लेकिन कितने शेयर देंगे ये फिक्स नहीं किया बोला देखेंगे अगर मार्केट में हमारे शेयर का प्राइस ज्यादा हो गया तो कम शेयर देंगे अगर प्राइस कम है सस्ते में बिक रहा है तो फिर ज्यादा शेयर दे देंगे मतलब यहां कहीं ना कहीं आप इक्विटी शेयर को शेयर की तरह नहीं आप इसको करेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हो किस तरीके से ट्रीट करो आप करेंसी की तरह करेंसी में यही तो होता है अगर सपोज सौ के नोट दूंगा, तो दूंगा।, दूंगा, दूंगा।, दूंगा तो और ज्यादा दूंगा मतलब आप ये देख के दे रहे हो कि आपकी शेयर की प्राइस क्या है उसके हिसाब से यू विल डिसाइड कि मैं कितने शेयर दूंगा वो भी तब डिसाइड करूंगा जब आपका कन्वर्जन होगा तो कहीं ना कहीं यू आर यूजिंग द शेयर लाइक अ करेंसी एंड नॉट लाइक अ इक्विटी शेयर इसलिए वो बोलता है ऐसे केस में इट इज नॉट अ इट इज नॉट अ इक्विटी इट इज अ फाइनेंशियल ये इसका लॉजिक है कि जहां आपने वेरिएबलनेस रखी फिर आप उसको हिस्सेदार बनाना चाहते ही नहीं हो तुम समझ रहे हो क्या इट इज जस्ट लाइक जहां रिश्ते में तुम्हारा स्वार्थ आ गया वो रिश्ता रहा ही नहीं फिर जहां रिश्ते में स्वार्थ आ गया रिश्ता वो ये बोलता है भाई जहां तुम स्वार्थी हो गए खत्म कहा नहीं एफेल हो गया लाइबिलिटी हो गई इक्विटी नहीं हुआ फिर समझा मैंने क्या बोला यस ठीक है तो इसका थोड़ा सा एक डिटेल नोट मैंने बना के रखा है मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको रुक जाओ जरा एक बार एक सेकंड रुक जाओ एक बार यहाँ देख लो एक बार यहां देख लो ये मैं आया हूँ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इधर एक बढ़िया चार्ट है थर्टी थ्री पॉइंट सेवन के ऊपर आपके किताब में मोस्टली ये पेज पर होना चाहिए ठीक है तो क्या बोलता है फिक्स टू फिक्स टेस्ट के बारे में बोलता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स शुड बी फिक्स्ड एंड वैल्यू ऑफ या तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर या फिर नंबर ऑफ ये फिक्स होना चाहिए अगर दोनों फिक्स है तो ही इक्विटी है अब ध्यान से देखो अगर एक भी जगह है अगर ये इक्विटी वेरिएबल है, है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी दोनों वेरिएबल है फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब ये दोनों फिक्स होना चाहिए तो ही क्या होगा इक्विटी होगा तो ही क्या होगा इक्विटी होगा समझा ठीक है तो अब इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ये आप इधर दे सकते हो ऑल्सो रिफर पेज नंबर थर्टी थ्री पॉइंट सेवन ठीक है इसका मतलब मेरे डेफिनेशन ऑफ इक्विटी में दो पॉइंटर्स हो गए अगर मुझे अभी डिफाइन करना हुआ इक्विटी को कि सर डिफाइन करो इक्विटी को देर आर टू कंडीशन देर आर टू कंडीशन सबसे पहली कंडीशन क्या है सबसे पहली कंडीशन कंपनी विल इशू इक्विटी शेयर कंपनी को खुद के शेयर देने हैं एंड 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 दूसरा कंडीशन पता है क्या है कि खुद के शेयर तो देने लेकिन एक और टेस्ट मीट करना चाहिए कौन सा टेस्ट है वो वेरी गुड आंसर फिक्स टू फिक्स टेस्ट शुड बी मेट फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट बराबर ये दोनों मीट होना पड़ेगा एक तो खुद के शेयर दोगे और एफ टू एफ भी मीट करेगा अब सर अगर क्वेश्चन में ही नहीं है कि टेस्ट मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी कोई बात ही नहीं करी फिर इफ नथिंग इज मेट बराबर तो लिख दो इधर इफ नथिंग इज मैं ऑलवेज अज्यूम ट फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट दैट फिक्स टू फिक्स टेस्ट इज मेट समझ पड़ा मैंने क्या बोला यस सर ध्यान रखना ये था आपके फिक्स टू फिक्स टेस्ट के बारे में बड़ा सिंपल सा टेस्ट है बस आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट करता है बस इतना मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं इसके अंदर ठीक है यस अब एक और चीज दिखाओ आपको एक और चीज दिखाओ।, दिखाओ दिखा देता हूँ सर मैंने क्या बोला एफ टू एफ मीट नहीं किया मतलब वेरिएबलनेस आ गई तो इट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी यही काम है ना आपसे फाइनेंशियल इधर देखो अपन ने ए पॉइंट डिस्कस किया था लाइबिलिटी में मैंने बी और सी दो दो लाइन छोड़ने बोला था उसके अंदर अब यहां देखो सी में क्या बोलते कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर ओन इक्विटी शेयर्स इन वेरिएबल नंबर भले ही खुद के शेयर्स देना है लेकिन क्योंकि वहां वेरिएबलनेस आ गई वेरिएबलनेस आ गई मतलब एफ 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 टू टू इज नॉट मेट जहां मीट नहीं करता देखो वो किसके डेफिनेशन में कवर्ड है वो FL के डेफिनेशन में कवर्ड है मतलब जहां कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर करना है खुद के शेयर का लेकिन यहां एफ टू एफ मीट नहीं किया ना तो एफ एल में आ गया वो लेकिन अगर एफ टू एफ मीट कर देता तो, तो फिर इक्विटी बन जाता तो सिर्फ ओन इक्विटी शेयर देना काफी नहीं है ओन इक्विटी शेयर के साथ एफ टू एफ भी मीट करना पड़ेगा तो ही इक्विटी होगा अब मैं इससे ज्यादा क्लेरिफाई नहीं कर सकता ये हो गया मैक्स लेवल ऑफ क्लैरिटी समझा तुम तो कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर ओन इक्विटेशन इन वेरिएबल नंबर इज एफएल ठीक है तो ये अपन सेम चीज लिख दे अपने एफएल के डेफिनेशन में एफएल के डेफिनेशन में सेम चीज लिख देते मैं तो का चीटर आदमी हो <laughs> लिखो तुम <coughs> अब ये लिखो और एक काम करोगे मेरा आपको मैंने क्या पढ़ाया अभी वो टाइम बताओ लिखने का सुनो मेरी बात आपको मैंने पढ़ाया कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक है और आपको मैंने पढ़ाया एफ टू एफ टेस्ट के बारे में आई एम गिविंग यू नाइनटी सेकेंड्स टू रिवाइज इट राइट एयर राइट नाउ ठीक है जो भी रिकॉर्डेड भी देख रहे पॉज द वीडियो नाइनटी सेकेंड्स दे रहा हूँ रिवाइज इट राइट ईयर राइट नाउ टाइम स्टार्ट और जैसी होएगा डी करके बोलना फटाफट से टाइम स्टार्ट ना। जल्दी से लोग तुम मुझे बताओ मजा नहीं आया मजा नहीं आ रहा कितने बढ़िया तरीके से अपन पढ़ रहे है, है ना ऐसे ही हमेशा फन वे में पढ़ते रहने का देखो दो तरीका होता है पढ़ने का एक होता है एकदम डेड सीरियस मैं एकदम आऊंगा स्ट्रेट फेट से To cash. Cash वो एक ये तरीका। तुम ना इसको पढ़ाने मजा आ रहा है ना हमको पढ़ने मजा एक आओ, ये, ये। हसी मजाक किया पढ़ा गेम खेला उससे तुम्हारा इंटरेस्ट बना उससे अपने पढ़ाई किया भाई उससे अपने को ऐसा आता ना हाँ सर मजा भी आ रहा है चलो कुछ समझा नहीं तो चार बार और आपने बोला दो चार गाली बकी हाँ समझ गया सर है ना किसी और ने मिस्टेक किया अच्छा ये नहीं करना था समझ गया सर एक ये तरीका होता है हमेशा इसी तरीके से पढ़ना देखो मैं बताऊँ सी ये तो करना है ये तो ठान लिया ना अब दो तरीका है तो रो के कर लो या हंस हंसी खुशी कर लो तो आपन तो हंसी खुशी करेंगे ठीक है जिसको नहीं जमता है जयराम जी की और अपन तो ऐसे ही पढ़ाएंगे और अपने को पढ़ना भी ऐसा ही है तुम देख लेना तुम आगे जाकर तुम्हारा एफ तुमको हमेशा उठाने में इतना अच्छा लगेगा ना कि अरे ये तो आयता ये ये तो कर ही लेंगे क्यों क्योंकि तुमने पहले उसको अच्छे से पढ़ा हुआ है तुमने कभी कोसा नहीं है सब्जेक्ट को जिस सब्जेक्ट को तुम सौ बार कोसोगे ना वो तुमको कभी उठाने का मन नहीं करेगा समझे तो मैं यही कहता हूँ कि कभी भी कोई सब्जेक्ट डर भी लगे ना अच्छे से हंसी खुशी पढ़ने का है टेंशन से लेने का नहीं भाई है ना हाँ दो तीन गाली खा के दिमाग में जाता है वो तो ठीक है बट मैं वही कह रहा हूँ तुमको एकदम मस्त रहने का और कंसिस्टेंट रहने का ठीक है चलो आगे बढ़ू मैं आगे बढ़ता हूँ चलो ठीक है एक और एक और एक और चीज़ हो जाए और लास्ट में जब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना मैं सच्ची बोला जब मैं लास्ट में रिविजन उठाऊंगा तुमको जो फील आएगी ना तुम बोलोगे वाह सर अब हो गया हमारा कंप्लीट पूरा अब हम पूरे के वो होता है ना एकदम एकदम कंप्लीट फील होता है सर हमको वैसा हो जाएगा तुमको मजा आ जाएगा ठीक है यस एक के है भाई <laughs> चलो आ जाओ अब एक और चीज डिस्कस करूंगा फिर में जाने के पहले आपको एक बढ़िया स्टोरी बताऊंगा छोटी सी स्टोरी बताऊंगा ठीक है चलो अब सुनना ना मेरी बात ध्यान से आप अगर ध्यान से देखोगे मैंने फिनेशियल असल के डेफिनेशन में एक पॉइंट छोड़ रखा है और मैंने एफ के डेफिनेशन में भी एक पॉइंट छोड़ रखा है बराबर मैंने दोनों के डेफिनेशन में एक एक पॉइंट छोड़ रखा है ठीक है चलो अब मैं उसी का डिस्कशन करने जा रहा हूँ मैं थोड़ा लेमेंट टर्म में बात करूंगा इसका जो मैं थोड़ा फॉर्मल डिस्कशन है आगे जाके करूंगा अभी मैं लेमेंट टर्म में बात कर लेता हूँ ठीक है तो सब दो लड़के लोग के नाम दे दो अपने को एक राहुल है और एक ललित है चलो लल्लू भाई एक है राहुल और एक है लल्लू ठीक है एक राहुल और एक है लल्लू लुल है लुल लूल, <laughs> लूल <हो का? laughs> सुन लो <laughs> अब इन्होंने क्या किया एक दिन बैठे थे इन लोग ठीक है तो ये अपना राहुल और ये अपना लल्लू बैठे थे बात कर रहे थे एक आदमी उठ के बोलते है, भाई तेरे को पता है अडानी का शेयर बढ़ेगा कौन बोलता है राहुल बोलता है अडानी का शेयर बढ़ेगा लल्लू भाई क्या बोलते अपने है ना लल्लू भाई क्या बोलते हैं लल्लू भाई बोलते अडानी का शेयर गिरेगा अडानी का शेयर गिरेगा ठीक है एक बोलता है बढ़ेगा एक बोलता है गिरेगा तो पहले प्यार से राहुल बोलता है अरे बढ़ेगा बढ़ेगा लल्लू बोलता है अरे क्या बढ़ेगा भाई अडानी का नहीं गिरने वाला है बहुत स्कैम कंपनी है फर्जी कंपनी अंदर कुछ है नहीं है वो करके गिरेगा ऐसे प्यार मोहब्बत से बात चल रही है फिर भड़क गए दोनों एक दो चारों से पांच मिनट के अंदर बोला ना बढ़ेगा लल्लू बोलता है अरे बढ़ेगा बढ़ेगा बड� क्या गिरेगा बोल रहा हूँ ना तो ऐसे बात करते करते भड़क गए दोनों फिर राहुल बोलता है लगाना लगाना लल्लू बोलते है दिखाना लगाना लगाना दिखाना ये चालू हो गया इनका झगड़ा करने लग गए भाई जो प्यार से बात कर रहे थे अचानक से अच्छा कॉलर पकड़ ली दूसरे का कि बोला ना गिरेगा तो बीच में आए अपने प्यारे अपने प्यारे कौन है बीच में रुको देखने दो तो मुझे हाँ बीच में अपने प्यारे आए हरीश ठीक है हरीश चंद्र तो बीच में हरीश आए हरीश बोलता है तुम लड़ क्यों रहे हो इतना ही झगड़ा करना है तो बेट लगा लो बेट लगा लो तो बोले बेट लगा लेते उससे तो पहले छुड़वाया एक दूसरे को ठीक है तो छोड़ने को तैयार नहीं एक तो ठीक है छोड़ने को तैयार ही नहीं राहुल बोलते हैं हरीश तू हट बच में लल्लू ने तो हरीश को लाती मार दी बोला तू कौन है रे बीच वाले लोग बात नहीं करते इधर तो हरीश को हरीश भड़क गया हरीश ने बंदूक निकाली बोला ए तो से उड़ा दूंगा ऐसा करके ठीक है तब तो तेरह तो, तो 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 चुप हो गए दोनों ठीक है एकदम चुप ये क्या था सर अरे मेरा ए... बचपन का सपना था तो खरीद लिया एनी हाँ मैं क्या बोल रहा था सुनो ना तो हरीश ने झगड़ा तोड़वाया इनका बंधु बंदू निकाल के शांत करवाया दोनों भाई एकदम ठीक है <laughs> और बोला बैट कर लो ना तुम दोनों आपस में बैठ के झगड़ा क्यों कर रहे हो है ना तो उस बैटिंग को अपन टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शन जो तुम अगर शेयर मार्केट में थोड़ा सा किए हो तो पता रहेगा नहीं किए तो छोड़ दो एफ एन ओ नहीं पता फ्यूचर ऑप्शन नहीं पता बैटिंग तो पता है है ना तो बैटिंग कर लो कि तीन महीने बाद यही मिलेंगे We will meet after three months. After three months मिलेंगे और देखते कौन जीता। Suppose, आज शेयर की सौ रुपया है ठीक है तीन महीने के बाद देखेंगे अगर महीने बाद शेयर की सौ के ऊपर गई तो राहुल जीता अगर तीन महीने बाद शेयर की प्राइस सौ के नीचे हो गई तो लल्लू जीता सिंपल ठीक है <coughs> तो तीन महीने बाद देखेंगे कौन जीतता है और जो भी जीतेगा उसको मिलेगा दस हजार रुपए का इनाम उसको मिलेगा इनाम टेन थाउजेंड रुपीज का ठीक है बोल, आएगा, बोल आएगा। तो तीन महीने बाद तो हर महीने अपने को वो चुल तो होती है थोड़ी सी कि देखते अभी कौन जीत रहा है देखो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन तीन महीने के बाद ही आएगा बट अपन हर महीने होते हैं ना चेक करते आज प्राइस क्या है आज प्राइस किया आज प्राइस क्या है तो इन लोग दोनों बैठ के एवरी मंथ चेक कर रहे हैं है ना कि क्या आज ऊपर है आज प्राइस नीचे है क्या आज ऊपर है क्या आज प्राइस, प्राइस नीचे है क्या वैसे तो भले ही डिसीजन तीन महीने के बाद आएगा बट एवरी मंथ एवरी मंथ एंड एवरी मंथ उन लोग मिलते हैं और बोलते हैं हारने वाला भी हारने वाला है, हे, हे, वाले है तो वाले। फिर एक बार प्राइस बढ़ेगा तो बोलते हैं हे हे मैं जीतूंगा मैं ऐसा एवरी मंथ के एंड पे आकर चेक करते हैं ठीक है थीके? तो एवरी मंथ हु इज इन विच पोजिशन हु इज इन विच पोजिशन उन लोग चेक करते हैं ठीक है तो चलो मैं आपको फर्स्ट मंथ की पोजिशन बताता हूं है ना फर्स्ट मंथ में फर्स्ट मंथ के एंड पे अडानी ऊपर चल रहा है अडानी 120 वगैरह पे चल रहा है ठीक है हंड्रेड रुपीज का बेस प्राइस था ना 120 पे चल रहा है राहुल ने बोला था अडानी बढ़ेगा लल्लू ने बोला था अडानी गिरेगा ठीक है अडानी ऊपर चल रहा है मुझे बताओ हु इज इन अ फेवरेबल पोजिशन

तो अपना आउल है आउल आउल इज इन फेवरेबल पोजिशन और अपना दूसरा हीरो कौन था लल्लू लल्लू अब अब जो जो मुझे बताओ इंसान में है है ना उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है पता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इज अ उसके लिए इंस्ट्रूमेंट इज अंशियल और जो इंसान अनफेवरेबल फेवरेबल पोजिशन में उसके लिए इट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी मतलब अगर आपने कोई बेट लगाई है ना बेटिंग को फॉर्मल टर्म्स में आप डेरेवेटिव भी कहते हो इन शॉर्ट अगर आपने मार्केट में एंटर किया है ना सेटलमेंट आज नहीं है सेटलमेंट फ्यूचर में होगा लेकिन आज के हिसाब से अगर आपकी पोजिशन फेवरेबल है तो आप कहोगे इट इज अ फिनेंशियल फॉर यू और अगर आपके लिए पोजिशन अनफेवरेबल है तो इट इज अ अनेशियल लाइबिलिटी फॉर यू मतलब कहीं ना कहीं राहुल भले आज जीता नहीं है पूरी तरीके से बट वो ये अनियलाइज गेन को आज फिनेंशियल असेट दिखा के चलेगा अपने बुक्स में और लल्लू भले ही आज पूरी तरीके से हारा नहीं है फिर भी वो अनफेवरेबल अनफेवरे को एज ऑन टूडे एक लाइबिलिटी में दिखाता हुआ चलेगा उसको बोलेगा फाइनेंशियल ये डेरिवेटिव मार्केट में होता है अब मैंने बहुत बेसिक से एग्जांपल लिया ये मान के डेरिवेटिव आपको नहीं आता है ठीक है इस पर जो डिटेल बात है ना काफी जिसको आता रहेगा वो बोलेगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है बहुत कुछ होता है इसके अंदर वो सब बातें तो मैं इधर अलग से करूंगा डेरेवेटिव करके मेरे को डेरेवेटिव आगे आएगा वो लेकिन जिस, मैं तो यह मानता हूं कुछ भी नहीं आता है तो जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको ये एग्जाम्पल समझता है कि जब कोई बैटिंग में एंटर करता है बैट क्या होती है जिसका आउटकम मालूम पड़ेगा फ्यूचर में है 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 ना और इसमें पैसा involved रहता ठीक तो जहां तुमने बैटिंग वगैरह कर दी ठीक है तो इसमें भले ही फ्यूचर में आउटकम डिसाइड होएगा लेकिन एवरी मंथ एवरी क्वार्टर में आप आके चेक करोगे तो एक आदमी जीतेगा एक आदमी हारेगा जो जीतता हुआ दिख रहा है उसके लिए फाइनेंशियल एसेट जो हारता हुआ दिख रहा है उसके लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी तुमको समझा ये बेसिक टर्म तुमको समझा ये बेसिक एग्जाम्पल पक्का समझा ये वाला पार्ट ठीक है अब तुम देख लो इधर आके फिनेशियल असर का डेफिनेशन माना पहले असर का डेफिनेशन में क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू पता डी वाला पार्ट एक ब्लैंक छोड़ा था मैंने वो है कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज फिनेंशियल और लाइबिलिटीज विथ अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दट आर पोटेंशियली फेवरेबल टू द एंटिटी आपके लिए यही वर्ड काम का है विच आर फेवरेबल फेवरेबल जिसके लिए उसके लिए वो क्या है इट इज अ असेट फॉर हिम तुम समझे बाद में कॉपी कर लेना इसको और लाइबिलिटी वाले में क्या आएगा सेम चीज रहेगा सेम वर्डिंग्स सिर्फ से फेवरेबल के बदले वर्ड क्या रहेगा फटाफट से बताओ फेवरेबल के बदले वर्ड क्या रहेगा वेरी गुड आंसर इट विल बी अन it will be unfavorable yeah. बाद में कॉपी कर लेना वो टेंशन नहीं अपने को और अपने को वर्ड वर्ड पूछने वाला है भी नहीं है बट तुमको बेसिक मालूम होना चाहिए बस समझ गए सर मजा आ गया फील आ गई फील आ गई भाई साहब मैंने आज आपको मोटा मोटी है ना तीन चीजें पढ़ा दी कंप्लीटली कंप्लीटली इंडिया 32 के अंदर क्या थी वो तीन चीजें डेफिनेशन पढ़ाया मैंने पहले आपको है <coughs> ना मैंने आपको फिक्स टू फिक्स टच के बारे में बताया और मैंने आपको कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया क्या तुमको समझ आया बेसिक बेसिक घर पे रिवाइज तो करेगा मैं जानता हूँ बट सेवेंटी एट्टी नाइन्टी परसेंट समझ में आया घुसा दिमाग के अंदर क्या है ये चीज़ पक्का समझा ये चीज़ ठीक है बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे अब मैं आपको रिवाइज करा दूंगा क्योंकि मेरे को स्ट्रेच नहीं करना नेसेसरी ठीक है फालतू में स्ट्रेच करेंगे तो आपका दिमाग में घुसेगा नहीं ठीक है बट अपना अच्छा आज आपने कवरेज किया है अच्छा डिस्कशन अपन ने किया रिवाइज तो मैं कराऊंगा बट जाते जाते एक आखिरी बात मेरी सुन के जाओ ठीक है आखिरी बात सुन के जाओ मेरी अब है ना ये जो अपन अच्छी तरीके से पढ़ते हैं हंसी खुशी से पढ़ते हैं इसका असली फल पता कब मिलेगा जब आप घर पर रिवाइज करोगे और घर पे भी आप संघर्ष करोगे देखो मैं ना ऐसे बीच में मेरे को जरा वो हुआ था महाभारत देखने का बड़ा मेरे को अच्छा लगता था महाभारत देखना मेरी वाइफ ने मेरे को बोला महाभारत देखना चाहिए तो है ना मैं बीच में महाभारत देख रहा था कृष्ण तो भगवान बहुत चीज सीख देते, तो देते। हैं है बड़ा टेंशन होता है मेरा क्या होगा मेरा फेल होगा मेरा पास होगा मेरा जिंदगी में क्या होगा मेरा लाइफ में ऐसा चल रहा है मेरे घर पे पैसा नहीं है मैं मिडिल क्लास से हूँ मेरे माँ बाप को संभालना है बड़ा टेंशन रहता है आउटकम को लेकर फ्यूचर के और अपन टेंशन के बोझ में ही दबके रह जाते हैं अपन टेंशन के बोझ में दबके रह जाते हैं बराबर तो इसका सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन क्या है तो कृष्ण भगवान ने बोला इसका बड़ा एक दम सिंपल सोल्यूशन है कि तुम फ्यूचर के टेंशन को अगर ओवरकम करना है तो आज संघर्ष करो आज क्या करो संघर्ष करो इसका मतलब क्या है तुमको आज मेहनत करनी है आज तुमको हार्डवर्क करना है तुमको यहां फोकस करना है तुम जैसे यहां फोकस करोगे ना तुम्हारा आगे का सब शॉर्ट हो जाएगा लेकिन अगर तुम सिर्फ उस टेंशन को लेकर बैठ के सोच रहे हो और तुम कोई संघर्ष नहीं कर रहे हो तुम कोई कर्म नहीं कर रहे हो तुमसे बैठे हो सोच रहे हो ऐसा होगा तो वैसा होगा तो तो कुछ नहीं होने वाला है कुछ नहीं होने वाला और जो तुम सोच रहे हो ना उससे बहुत ही खराब होगा तो कभी भी अगर ऐसे टेंशन आया ना कभी भी मेरे को मेरे को रिलाइज हुआ बात मेरी चीज की कभी भी मेरे को भी आता था ना टेंशन की मेरे को बहुत टेंशन आ रहा है पढ़ाई का क्या करूंगा कैसे करूंगा तो पढ़ने बैठ जाओ सिंपल है पढ़ाई का टेंशन आ रहा पढ़ने बैठ जाओ ये हमेशा ध्यान रखना कभी भी कभी भी टेंशन आना ना पढ़ाई का पढ़ने बैठ जाओ तुम देख लेना अपन क्या है पढ़ाई के टेंशन मारे पढ़ाई करते ही नहीं है ये नोटिस करना मेरे साथ होता था पढ़ाई पढ़ाई का टेंशन पढ़ता ही नहीं था मैं बोला भाई टेंशन टेंशन है फिर बाद में लिखा चुका था अब पढ़ लेता है सच्चा तो।, तो तुमको ये रखना है क्या करना है संघर्ष संघर्ष मतलब समझता ना तुमको कर्म वेरी गुड चलो तो इसी बात पर

इसमें तो इंटरेस्ट में, तो में मिलेगा कैश प्रिंसिपल में मिलेगा इक्विटी शेयर बट तुमको तो मिलने वाला है तो तुम्हारे लिए दोनों फाइनेंशियल ही है ठीक है उसके बाद गोल्ड में इन्वेस्ट किया गोल्ड के अंदर आपके पास कॉन्ट्रेक्टर लाइट टू रिसीव कैश नहीं है नॉट अंशियल है ना उसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस में आप खर्चा इनकर एडवांस में

कैश पेमेंट कैन भी अवॉइडेड बिकॉज जिसने इशू किया उसी के बाद ऑप्शन तुमने इशू किया तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कैश देना है कि नहीं देना है मतलब तुम कैश अवॉइड कर सकते हो जहां अवॉइडेबल है तो यह सी एफ आई हो जाएगा सिंपल लास्ट बात सी एफ आई का होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होल्डर के लिए इट इज ओनली फाइनेंशियल ध्यान रखना और अब आता है इंपॉर्टेंट टेस्ट फिक्स टू फिक्स टेस्ट जिधर जिधर मैंने इक्विटी बोला जिधर जिधर मैंने इक्विटी बोला वहां मैंने बाय डिफॉल्ट एक एजम्पन मारा

तो फिर वो एफ एल का कहला जाता है बराबर उसको एफ एल कहते हैं तो जब मैं कहता हूं इक्विटी तो अभी दो कंडीशन हो गई एक कंपनी खुद के शेयर देगा और एफ एफ टू मीट हो जाएगा कुछ नहीं बताता हम मानते कि मीट होता रहेगा तो दोनों मीट हुआ तो ही इक्विटी होगा उसके अलावा अगर आप इसलिए अब जब आप लाइब्रिटी के डेफिनेशन में आओगे एफ के डेफिनेशन में तो यू विल क्लियरली सी कि क्या बोला हुआ है टू डिलीवर ओन इक्विटी शेयर वेरिएबल नंबर जहां ओन शेयर देना लेकिन वेरिएबल नंबर में देना है फिर वो आपके लिए एफ होता है फिर वो आपके लिए इक्विटी नहीं होता है क्यों क्योंकि उसमें एफ एफ टू मीट नहीं हो रहा है ना इसलिए ठीक है ये अपना बेसिक डेफिनेशन हो गया अब एक आखिरी एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था अगर आप बैटिंग वगैरह कर रहे हो जिसका आउटकम फ्यूचर में डिसाइड होएगा तो एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर एंड पे आप अपने पोजिशन को करोगे अगर इस बैटिंग में इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी पोजीशन मंथ एंड पे या जो भी आप अकाउंटिंग करते हो हिसाब से वीकली एंड मंथली एंड क्वार्टरली एंड जो भी उस टाइम अगर पोजीशन आपकी जीतने वाली है, उसको बोलते है position, बराबर तो आपके असेट और अगर डेरेवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपकी है, तो उसको बोलेंगे इट इज पोजिशन अनफेवरेबल इट विल नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी

चलो बाय वैसे ही ऑल थैंक यू सो मच